फिर मोलू मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फिर मोलू एक 2024 भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे गिरीश रेड्डी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। फिल्म में नसलेन के कपूर और ममिता बैजू मुख्य भूमिका में है। इसमें संगीत प्रताप श्याम मोहन, यम मीनाक्षी, रविंद्रन अखिला, भार्गवन, अल्ताफ सलीम और मैथ्यू थॉमस सहित कई कलाकार ने एक विस्तारित कैमियो भूमिका निभाई है। संगीत विश्री विजय द्वारा तैयार किया गया था जबकि अजमल राव साबू और आकाश जोसेफ वर्गीस ने फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला था। फिल्म लोग इसकी कहानी संगीत हास्य और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए आलोचकों से प्रशंसा मिलने के बाद 9 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। 3 करोड़ के बजट पर बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और दुनिया भर में 120 करोड़ से अधिक की कमाई की। 5वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली 5वीं मलयालम फिल्म बन गई। यह वर्तमान में अब तक की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है और 2024 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। तेलुगु भाषा में डब संस्करण 8 मार्च 2024 को जारी किया जाएगा और तमिल डब संस्करण 15 मार्च 2024 को जारी किया जाएगा। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो कॉलेज के आखिरी दिन सचिन संतोष अंततः अपने सहपाठी अंजलि से अपने प्यार का इजहार करता है जो उसे अस्वीकार कर देती है। कॉलेज के बाद सचिन ने सभी परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए उच्च अध्ययन के लिए यूके जाने की योजना बनाई लेकिन उनका वीजा आवेदन खारिज हो गया जिससे उन्हें 6 महीने बाद आवेदन करने का और मौका मिल गया। इस बीच सचिन लक्ष्यहीन तरीके से अपना जीवन जी रहा है। अपने पिता को उनकी बेखबरी से बेकरी की डिलीवरी से मदद कर रहा है। ऐसे ही एक डिलीवरी पर सचिन अपने पुराने दोस्त अमल डेविस से मिलते हैं और उनकी दोस्ती फिर से शुरू हो जाती है। जबकि सचिन अभी भी इस पर विचार कर रहे हैं कि आगे क्या करना है। अमल ने उनके साथ हैदराबाद में गेट पाठ्यक्रम में शामिल होने का सुझाव दिया जब तक कि सचिन फिर से वीजा के लिए आवेदन नहीं कर सकते और आवेदन विफल होने पर बैकअप के रूप में थी। सचिन इस पर सहमत हो गया और अमल के साथ हैदराबाद चला गया। हैदराबाद में 20 साल की लड़की रेनू हाल में ही में एक आईटी कंपनी की विकास टीम में शामिल हुई है जहां अधिनाम का एक घमंडी आदमी वरिष्ठ डेवलपर है। शामिल होने के बाद रेनू अपनी दोस्त कार्तिका और अन्य रूममेट निहारिका के साथ अपना एक अपार्टमेंट में रहने लगती है। आदि को रेनू पर क्रश है लेकिन वह खुद को उसका बेस्टी बताता है। सचिन और अमन एक शादी में रेनू और उसकी टीम से मिलते हैं जहां रेनू दूल्हे के मेहमान हैं और रेनू दुल्हन के मेहमान हैं। सचिन को रेनू से प्यार हो गया है। शादी के दौरान उन सभी में दोस्ती हो गई। अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण रेनू और कार्तिक ने सचिन और अमल के साथ हैदराबाद लौटने का फैसला किया। रेनू सचिन के साथ बहुत साज है और उनकी हरकतों को मजाकिया और दोस्तानी मानती है। गेट का क्रश छोड़ने के बाद सचिन को हैदराबाद में रहने के लिए फास्ट फूड रेस्तरां में नौकरी मिल गई और वह रेनू के बारे में और अधिक जानना चाहता है। अमल एक पब में कार्तिका के माध्यम से रेनू को सचिन के क्रश के बारे में संकेत देने की कोशिश करता है लेकिन वह उसे यह कहते हुए गोली मार देती है कि रेनू किसी परिपक्व और निपुण व्यक्ति की तलाश में है न कि सचिन जैसे किसी व्यक्ति की जिसके पास कल के लिए भी कोई योजना नहीं है। बहुत खोजबीन के बाद सचिन ने रेनू से अपने प्यार का इजहार करने का फैसला किया लेकिन वह कहती है कि वह कोई ऐसा व्यक्ति चाहती है कि जो परिपक्व हो और जीवन में सुलझा हुआ हो। सचिन ने निराश होकर हैदराबाद छोड़ने और अपने कॉलेज के दोस्त के साथ चेन्नई जाने का फैसला किया। हालांकि रेनू के मन में भी सचिन के लिए प्रतिभावनाएं विकसित होती हैं लेकिन वह उनके बारे में अनिश्चित है और वह उसे वापस आने के लिए मनाने की कोशिश करती है लेकिन सचिन उसके काल या संदेह का जवाब नहीं देता है। कुछ महीनों के बाद कार्तिका ने सचिन को हैदराबाद में अपनी सगाई की पार्टी में आमंत्रित किया। रेनू उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन सचिन ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह आगे बढ़ गया हो और उसे सूचित करता है कि उसका वीजा आवेदन आ गया है और वह अगले दिन हैदराबाद से यूके के लिए रवाना हो रहा है। आदि सचिन और अमल पर आरोप लगाता है और उनसे बातचीत करने की मांग करता है। सचिन और अमल दोनों बहुत नशे में थे। आदि से मिक्की निकलते हुए कहते हैं कि रेनू भी उसे स्वीकार कर देगी। सचिन और अमल को गलत साबित करने के लिए आदि पार्टी में सबके सामने रेनू से पूछता है कि क्या वह उससे प्यार करती है।
कुछ इस तरह से इस मूवी के फैक्ट हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पैरामोलू मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पैरामोलू 2024 भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे गिरीश रेड्डी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। फिल्म में नसलेन के कपूर और ममिता बैजू मुख्य भूमिका में हैं। इसमें संगीत प्रताप श्याम मोहन, यम मीनाक्षी, रविंद्रनाथ अखिला, भार्गवन, अल्ताफ सलीम और मैथ्यू थॉमस सहित कई कलाकार ने एक विस्तारित कैमियो भूमिका निभाई है। संगीत विश्री विजय द्वारा तैयार किया गया था, जबकि अजमल साबू और आकाश जोसेफ वर्गीस ने फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला था। पैरामोलू की इसकी कहानी संगीत हास्य और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए आलोचकों से प्रशंसा मिलने के बाद 9 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। 3 करोड़ के बजट पर बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और दुनिया भर में 120 करोड़ से अधिक की कमाई की। 5वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली 5वीं मलयालम फिल्म बन गई। यह वर्तमान में अब तक की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है और 2024 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। तेलुगु भाषा में डब संस्करण 8 मार्च 2024 को जारी किया जाएगा और तमिल डब संस्करण 15 मार्च 2024 को जारी किया जाएगा। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो कॉलेज के आखिरी दिन सचिन संतोष अंततः अपने सहपाठी अंजलि से अपने प्यार का इजहार करता है, जो उसे अस्वीकार कर देती है। कॉलेज के बाद सचिन ने सभी परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए उच्च अध्ययन के लिए यूके जाने की योजना बनाई, लेकिन उनका वीजा आवेदन खारिज हो गया, जिससे उन्हें 6 महीने बाद आवेदन करने का और मौका मिल गया। इस बीच सचिन लक्ष्यहीन तरीके से अपना जीवन जी रहा है। अपने पिता को उनकी बेखबरी से बेकरी की डिलीवरी से मदद कर रहा है। ऐसे ही एक डिलीवरी पर सचिन अपने पुराने दोस्त अमल डेविस से मिलते हैं और उनकी दोस्ती फिर से शुरू हो जाती है। जबकि सचिन अभी भी इस पर विचार कर रहे हैं कि आगे क्या करना है। अमल ने उनके साथ हैदराबाद में गेट पाठ्यक्रम में शामिल होने का सुझाव दिया, जब तक कि सचिन फिर से वीजा के लिए आवेदन नहीं कर सकते और आवेदन विफल होने पर बैकअप के रूप में थी। सचिन इस पर सहमत हो गया और अमल के साथ हैदराबाद चला गया। हैदराबाद में 20 साल की लड़की रेनू हाल में ही में एक आईटी कंपनी की विकास टीम में शामिल हुई है, जहां अधिनाम का एक घमंडी आदमी वरिष्ठ डेवलपर है। शामिल होने के बाद रेनू अपने दोस्त कार्तिका और अन्य रूममेट निहारिका के साथ अपना एक अपार्टमेंट में रहने लगती है। आदि को रेनू पर क्रश है, लेकिन वह खुद को उसका बेस्टी बताता है। सचिन और अमन एक शादी में रेनू और उसकी टीम से मिलते हैं, जहां रेनू दूल्हे के मेहमान हैं और रेनू दुल्हन के मेहमान हैं। सचिन को रेनू से प्यार हो गया है। शादी के दौरान उन सभी में दोस्ती हो गई। अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण रेनू और कार्तिक ने सचिन और अमल के साथ हैदराबाद लौटने का फैसला किया। रेनू सचिन के साथ बहुत साज है और उनकी हरकतों को मजाकिया और दोस्तानी मानती है। गेट का क्रश छोड़ने के बाद सचिन को हैदराबाद में रहने के लिए फास्ट फूड रेस्तरां में नौकरी मिल गई और वह रेनू के बारे में और अधिक जानना चाहता है। अमल एक पब में कार्तिका के माध्यम से रेनू को सचिन के क्रश के बारे में संकेत देने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे यह कहते हुए गोली मार देती है कि रेनू किसी परिपक्व और निपुण व्यक्ति की तलाश में है, न कि सचिन जैसे किसी व्यक्ति की जिसके पास कल के लिए भी कोई योजना नहीं है। बहुत खोजबीन के बाद सचिन ने रेनू से अपने प्यार का इजहार करने का फैसला किया, लेकिन वह कहती है कि वह कोई ऐसा व्यक्ति चाहती है कि जो परिपक्व हो और जीवन में सुलझा हुआ हो। सचिन ने निराश होकर हैदराबाद छोड़ने और अपने कॉलेज के दोस्त के साथ चेन्नई जाने का फैसला किया। हालांकि रेनू के मन में भी सचिन के लिए प्रतिभावनाएं विकसित होती हैं, लेकिन वह उनके बारे में अनिश्चित है और वह उसे वापस आने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन उसके काल या संदेह का जवाब नहीं देता है। कुछ महीनों के बाद कार्तिका ने सचिन को हैदराबाद में अपनी सगाई की पार्टी में आमंत्रित किया। रेनू उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह आगे बढ़ गया हो और उसे सूचित करता है कि उसका वीजा आवेदन आ गया है और वह अगले दिन हैदराबाद से यूके के लिए रवाना हो रहा है। आदि सचिन और अमल पर आरोप लगाता है और उनसे बातचीत करने की मांग करता है। सचिन और अमल दोनों बहुत नशे में थे। आदि से मिक्की निकलते हुए कहते हैं कि रेनू भी उसे स्वीकार कर देगी। सचिन और अमल को गलत साबित करने के लिए आदि पार्टी में स,
सबके सामने रेनू से पूछता है कि क्या वह उससे प्यार करती है। कुछ इस तरह से इस मूवी के फैक्ट हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पेरोमोलू मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पेरोमोलू 2024 भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे गिरीश रेड्डी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। फिल्म में नसलेन के कपूर और ममिता बैजू मुख्य भूमिका में हैं। इसमें संगीत प्रताप श्याम मोहन, यम मीनाक्षी, रविंद्रन अखिला, भार्गवन, अल्ताफ सलीम और मैथ्यू थॉमस सहित कई कलाकार ने एक विस्तारित कैमियो भूमिका निभाई है। संगीत विश्री विजय द्वारा तैयार किया गया था, जबकि अजमल साबू और आकाश जोसेफ वर्गीस ने फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला था। पेरुमलु को इसकी कहानी, संगीत, हास्य और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए आलोचकों से प्रशंसा मिलने के बाद 9 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। 3 करोड़ के बजट पर बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और दुनिया भर में 120 करोड़ से अधिक की कमाई की। 5वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली 5वीं मलयालम फिल्म बन गई। यह वर्तमान में अब तक की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है और 2024 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। तेलुगु भाषा में डब संस्करण 8 मार्च 2024 को जारी किया जाएगा और तमिल डब संस्करण 15 मार्च 2024 को जारी किया जाएगा। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो कॉलेज के आखिरी दिन सचिन संतोष अंततः अपने सहपाठी अंजलि से अपने प्यार का इजहार करता है, जो उसे अस्वीकार कर देती है। कॉलेज के बाद सचिन ने सभी परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए उच्च अध्ययन के लिए यूके जाने की योजना बनाई, लेकिन उनका वीजा आवेदन खारिज हो गया, जिससे उन्हें 6 महीने बाद आवेदन करने का और मौका मिल गया। इस बीच सचिन लक्ष्यहीन तरीके से अपना जीवन जी रहा है। अपने पिता को उनकी बेखबरी से बेकरी की डिलीवरी से मदद कर रहा है। ऐसे ही एक डिलीवरी पर सचिन अपने पुराने दोस्त अमल डेविस से मिलते हैं और उनकी दोस्ती फिर से शुरू हो जाती है। जबकि सचिन अभी भी इस पर विचार कर रहे हैं कि आगे क्या करना है। अमल ने उनके साथ हैदराबाद में गेट पाठ्यक्रम में शामिल होने का सुझाव दिया, जब तक कि सचिन फिर से वीजा के लिए आवेदन नहीं कर सकते और आवेदन विफल होने पर बैकअप के रूप में थी। सचिन इस पर सहमत हो गया और अमल के साथ हैदराबाद चला गया। हैदराबाद में 20 साल की लड़की रेनू हाल में ही में एक आईटी कंपनी की विकास टीम में शामिल हुई है, जहां अधिनाम का एक घमंडी आदमी वरिष्ठ डेवलपर है। शामिल होने के बाद रेनू अपने दोस्त कार्तिका और अन्य रूममेट निहारिका के साथ अपना एक अपार्टमेंट में रहने लगती है। आदि को रेनू पर क्रश है, लेकिन वह खुद को उसका बेस्टी बताता है। सचिन और अमन एक शादी में रेनू और उसकी टीम से मिलते हैं, जहां रेनू दूल्हे के मेहमान हैं और रेनू दुल्हन के मेहमान हैं। सचिन को रेनू से प्यार हो गया है। शादी के दौरान उन सभी में दोस्ती हो गई। अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण रेनू और कार्तिक ने सचिन और अमल के साथ हैदराबाद लौटने का फैसला किया। रेनू सचिन के साथ बहुत साज है और उनकी हरकतों को मजाकिया और दोस्तानी मानती है। गेट का क्रश छोड़ने के बाद सचिन को हैदराबाद में रहने के लिए फास्ट फूड रेस्तरां में नौकरी मिल गई और वह रेनू के बारे में और अधिक जानना चाहता है। अमल एक पब में कार्तिका के माध्यम से रेनू को सचिन के क्रश के बारे में संकेत देने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे यह कहते हुए गोली मार देती है कि रेनू किसी परिपक्व और निपुण व्यक्ति की तलाश में है, न कि सचिन जैसे किसी व्यक्ति की जिसके पास कल के लिए भी कोई योजना नहीं है। बहुत खोजबीन के बाद सचिन ने रेनू से अपने प्यार का इजहार करने का फैसला किया, लेकिन वह कहती है कि वह कोई ऐसा व्यक्ति चाहती है कि जो परिपक्व हो और जीवन में सुलझा हुआ हो। सचिन ने निराश होकर हैदराबाद छोड़ने और अपने कॉलेज के दोस्त के साथ चेन्नई जाने का फैसला किया। हालांकि रेनू के मन में भी सचिन के लिए प्रतिभावनाएं विकसित होती हैं, लेकिन वह उनके बारे में अनिश्चित है और वह उसे वापस आने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन उसके काल या संदेह का जवाब नहीं देता है। कुछ महीनों के बाद कार्तिका ने सचिन को हैदराबाद में अपनी सगाई की पार्टी में आमंत्रित किया। रेनू उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह आगे बढ़ गया हो और उसे सूचित करता है कि उसका वीजा आवेदन आ गया है और वह अगले दिन हैदराबाद से यूके के लिए रवाना हो रहा है।
आदि सचिन और अमल पर आरोप लगाता है और उनसे बातचीत करने की मांग करता है। सचिन और अमल दोनों बहुत नशे में थे। आदि से मिक्की निकलते हुए कहते हैं कि रेनू भी उसे स्वीकार कर देगी। सचिन और अमल को गलत साबित करने के लिए आदि पार्टी में सबके सामने रेनू से पूछता है कि क्या वह उससे प्यार करती है। कुछ इस तरह से इस मूवी के फैक्ट में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पेरोमोलू मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पेरोमोलू एक 2024 भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे गिरीश रेड्डी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। फिल्म में नसलेन के कपूर और ममिता बैजू मुख्य भूमिका में है। इसमें संगीत प्रताप श्याम मोहन, यम मीनाक्षी, रविंद्रन अखिला, भार्गवन, अल्ताफ सलीम और मैथ्यू थॉमस सहित कई कलाकार ने एक विस्तारित कैमियो भूमिका निभाई है। संगीत विष्णु विजय द्वारा तैयार किया गया था जबकि अजमल साबू और आकाश जोसेफ वर्गीस ने फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला था। पेरोमोलू की इसकी कहानी संगीत हास्य और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए आलोचकों से प्रशंसा मिलने के बाद 9 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। 3 करोड़ के बजट पर बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और दुनिया भर में 120 करोड़ से अधिक की कमाई की। 5वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली 5वीं मलयालम फिल्म बन गई। यह वर्तमान में अब तक की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है और 2024 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। तेलुगु भाषा में डब संस्करण 8 मार्च 2024 को जारी किया जाएगा और तमिल डब संस्करण 15 मार्च 2024 को जारी किया जाएगा। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो कॉलेज के आखिरी दिन सचिन संतोष अंततः अपने सहपाठी अंजलि से अपने प्यार का इजहार करता है जो उसे अस्वीकार कर देती है। कॉलेज के बाद सचिन ने सभी परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए उच्च अध्ययन के लिए यूके जाने की योजना बनाई लेकिन उनका वीजा आवेदन खारिज हो गया जिससे उन्हें 6 महीने बाद आवेदन करने का और मौका मिल गया। इस बीच सचिन लक्ष्यहीन तरीके से अपना जीवन जी रहा है। अपने पिता को उनकी बेखबरी से बेकरी की डिलीवरी से मदद कर रहा है। ऐसे ही एक डिलीवरी पर सचिन अपने पुराने दोस्त अमल डेविस से मिलते हैं और उनकी दोस्ती फिर से शुरू हो जाती है। जबकि सचिन अभी भी इस पर विचार कर रहे हैं कि आगे क्या करना है। अमल ने उनके साथ हैदराबाद में गेट पाठ्यक्रम में शामिल होने का सुझाव दिया जब तक कि सचिन फिर से वीजा के लिए आवेदन नहीं कर सकते और आवेदन विफल होने पर बैकअप के रूप में थी। सचिन इस पर सहमत हो गया और अमल के साथ हैदराबाद चला गया। हैदराबाद में 20 साल की लड़की रेनू हाल में ही में एक आईटी कंपनी की विकास टीम में शामिल हुई है जहां अधिनाम का एक घमंडी आदमी वरिष्ठ डेवलपर है। शामिल होने के बाद रेनू अपनी दोस्त कार्तिका और अन्य रूममेट निहारिका के साथ अपना एक अपार्टमेंट में रहने लगती है। आदि को रेनू पर क्रश है लेकिन वह खुद को उसका बेस्टी बताता है। सचिन और अमन एक शादी में रेनू और उसकी टीम से मिलते हैं जहां रेनू दूल्हे के मेहमान हैं और रेनू दुल्हन के मेहमान हैं। सचिन को रेनू से प्यार हो गया है। शादी के दौरान उन सभी में दोस्ती हो गई। अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण रेनू और कार्तिक ने सचिन और अमल के साथ हैदराबाद लौटने का फैसला किया। रेनू सचिन के साथ बहुत साज है और उनकी हरकतों को मजाकिया और दोस्तानी मानती है। गेट का क्रश छोड़ने के बाद सचिन को हैदराबाद में रहने के लिए फास्ट फूड रेस्तरां में नौकरी मिल गई और वह रेनू के बारे में और अधिक जानना चाहता है। अमल एक पब में कार्तिका के माध्यम से रेनू को सचिन के क्रश के बारे में संकेत देने की कोशिश करता है लेकिन वह उसे यह कहते हुए गोली मार देती है कि रेनू किसी परिपक्व और निपुण व्यक्ति की तलाश में है न कि सचिन जैसे किसी व्यक्ति की जिसके पास कल के लिए भी कोई योजना नहीं है। बहुत खोजबीन के बाद सचिन ने रेनू से अपने प्यार का इजहार करने का फैसला किया लेकिन वह कहती है कि वह कोई ऐसा व्यक्ति चाहती है कि जो परिपक्व हो और जीवन में सुलझा हुआ हो। सचिन ने निराश होकर हैदराबाद छोड़ने और अपने कॉलेज के दोस्त के साथ चेन्नई जाने का फैसला किया। हालांकि रेनू के मन में भी सचिन के लिए प्रतिभावनाएं विकसित होती हैं लेकिन वह उनके बारे में अनिश्चित है और वह उसे वापस आने के लिए मनाने की कोशिश करती है लेकिन सचिन उसके काल या संदेह का जवाब नहीं देता है।
कुछ महीनों के बाद कार्तिका ने सचिन को हैदराबाद में अपनी सगाई की पार्टी में आमंत्रित किया। रेनू उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह आगे बढ़ गया हो और उसे सूचित करता है कि उसका वीज़ा आवेदन आ गया है और वह अगले दिन हैदराबाद से यूके के लिए रवाना हो रहा है। आदि सचिन और अमल पर आरोप लगाता है और उनसे बातचीत करने की मांग करता है। सचिन और अमल दोनों बहुत नशे में थे। आदि से मिक्की निकलते हुए कहते हैं कि रेनू भी उसे स्वीकार कर देगी। सचिन और अमल को गलत साबित करने के लिए आदि पार्टी में सबके सामने रेनू से पूछता है कि क्या वह उससे प्यार करती है। कुछ इस तरह से मूवी के फैक्ट हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पेरोमोलू मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पेरोमोलू 2024 भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे गिरीश रेड्डी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। फिल्म में नसलेन के कपूर और ममिता बैजू मुख्य भूमिका में है। इसमें संगीत प्रताप श्याम मोहन, यम मीनाक्षी, रविंद्रन अखिला, भार्गवन, अल्ताफ सलीम और मैथ्यू थॉमस सहित कई कलाकार ने एक विस्तारित कैमियो भूमिका निभाई है। संगीत विष्णु विजय द्वारा तैयार किया गया था, जबकि अजमल साबू और आकाश जोसेफ वर्गीस ने फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला था। पेरुमलु की इसकी कहानी संगीत हास्य और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए आलोचकों से प्रशंसा मिलने के बाद 9 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। 3 करोड़ के बजट पर बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और दुनिया भर में 120 करोड़ से अधिक की कमाई की। 5वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली 5वीं मलयालम फिल्म बन गई। यह वर्तमान में अब तक की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है और 2024 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। तेलुगु भाषा में डब संस्करण 8 मार्च 2024 को जारी किया जाएगा और तमिल डब संस्करण 15 मार्च 2024 को जारी किया जाएगा। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो कॉलेज के आखिरी दिन सचिन संतोष अंततः अपने सहपाठी अंजलि से अपने प्यार का इजहार करता है जो उसे अस्वीकार कर देती है। कॉलेज के बाद सचिन ने सभी परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए उच्च अध्ययन के लिए यूके जाने की योजना बनाई, लेकिन उनका वीजा आवेदन खारिज हो गया जिससे उन्हें 6 महीने बाद आवेदन करने का और मौका मिल गया। इस बीच सचिन लक्ष्यहीन तरीके से अपना जीवन जी रहा है। अपने पिता को उनकी बेखबरी से बेकरी की डिलीवरी से मदद कर रहा है। ऐसे ही एक डिलीवरी पर सचिन अपने पुराने दोस्त अमल डेविस से मिलते हैं और उनकी दोस्ती फिर से शुरू हो जाती है। जबकि सचिन अभी भी इस पर विचार कर रहे हैं कि आगे क्या करना है। अमल ने उनके साथ हैदराबाद में गेट पाठ्यक्रम में शामिल होने का सुझाव दिया, जब तक कि सचिन फिर से वीजा के लिए आवेदन नहीं कर सकते और आवेदन विफल होने पर बैकअप के रूप में थी। सचिन इस पर सहमत हो गया और अमल के साथ हैदराबाद चला गया। हैदराबाद में 20 साल की लड़की रेनू हाल में ही में एक आईटी कंपनी की विकास टीम में शामिल हुई है, जहां अधिनाम का एक घमंडी आदमी वरिष्ठ डेवलपर है। शामिल होने के बाद रेनू अपनी दोस्त कार्तिका और अन्य रूममेट निहारिका के साथ अपना एक अपार्टमेंट में रहने लगती है। आदि को रेनू पर क्रश है, लेकिन वह खुद को उसका बेस्टी बताता है। सचिन और अमन एक शादी में रेनू और उसकी टीम से मिलते हैं, जहां रेनू दूल्हे के मेहमान हैं और रेनू दुल्हन के मेहमान हैं। सचिन को रेनू से प्यार हो गया है। शादी के दौरान उन सभी में दोस्ती हो गई। अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण रेनू और कार्तिक ने सचिन और अमल के साथ हैदराबाद लौटने का फैसला किया। रेनू सचिन के साथ बहुत साज है और उनकी हरकतों को मजाकिया और दोस्तानी मानती है। गेट का क्रश छोड़ने के बाद सचिन को हैदराबाद में रहने के लिए फास्ट फूड रेस्तरां में नौकरी मिल गई और वह रेनू के बारे में और अधिक जानना चाहता है। अमल एक पब में कार्तिका के माध्यम से रेनू को सचिन के क्रश के बारे में संकेत देने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे यह कहते हुए गोली मार देती है कि रेनू किसी परिपक्व और निपुण व्यक्ति की तलाश में है, न कि सचिन जैसे किसी व्यक्ति की जिसके पास कल के लिए भी कोई योजना नहीं है। बहुत खोजबीन के बाद सचिन ने रेनू से अपने प्यार का इजहार करने का फैसला किया, लेकिन वह कहती है कि वह कोई ऐसा व्यक्ति चाहती है कि जो परिपक्व हो और जीवन में सुलझा हुआ हो। सचिन ने निराश होकर हैदराबाद छोड़ने और अपने कॉलेज के दोस्त के साथ चेन्नई जाने का फैसला किया। हालांकि रेनू के मन में भी सचिन के लिए प्रतिभावनाएं विकसित होती हैं, लेकिन वह उनके बारे में अनिश्चित है और
वह उसे वापस आने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन उसके कॉल या संदेह का जवाब नहीं देता है। कुछ महीनों के बाद कार्तिका ने सचिन को हैदराबाद में अपनी सगाई की पार्टी में आमंत्रित किया। रीनू उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह आगे बढ़ गया हो और उसे सूचित करता है कि उसका वीज़ा आवेदन आ गया है और वह अगले दिन हैदराबाद से यूके के लिए रवाना हो रहा है। आदि सचिन और अमल पर आरोप लगाता है और उनसे बातचीत करने की मांग करता है। सचिन और अमल दोनों बहुत नशे में थे। आदि से मिक्की निकलते हुए कहते हैं कि रीनू भी उसे स्वीकार कर देगी। सचिन और अमल को गलत साबित करने के लिए आदि पार्टी में सबके सामने रीनू से पूछता है कि क्या वह उससे प्यार करती है। कुछ इस तरह से मूवी के फैक्ट हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पेरोमोलू मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पेरोमोलू एक 2024 भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे गिरीश रेड्डी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। फिल्म में नसलेन के कपूर और ममिता बैजू मुख्य भूमिका में है। इसमें संगीत प्रताप श्याम मोहन, यम मीनाक्षी, रविंद्रन अखिला, भार्गवन, अल्ताफ सलीम और मैथ्यू थॉमस सहित कई कलाकार ने एक विस्तारित कैमियो भूमिका निभाई है। संगीत विष्णु विजय द्वारा तैयार किया गया था, जबकि अजमल साबू और आकाश जोसेफ वर्गीस ने फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला था। पेरुमलु की इसकी कहानी संगीत हास्य और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए आलोचकों से प्रशंसा मिलने के बाद 9 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। 3 करोड़ के बजट पर बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और दुनिया भर में 120 करोड़ से अधिक की कमाई की। 5वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली 5वीं मलयालम फिल्म बन गई। यह वर्तमान में अब तक की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है और 2024 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। तेलुगु भाषा में डब संस्करण 8 मार्च 2024 को जारी किया जाएगा और तमिल डब संस्करण 15 मार्च 2024 को जारी किया जाएगा। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो कॉलेज के आखिरी दिन सचिन संतोष अंततः अपने सहपाठी अंजलि से अपने प्यार का इजहार करता है, जो उसे अस्वीकार कर देती है। कॉलेज के बाद सचिन ने सभी परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए उच्च अध्ययन के लिए यूके जाने की योजना बनाई, लेकिन उनका वीजा आवेदन खारिज हो गया जिससे उन्हें 6 महीने बाद आवेदन करने का और मौका मिल गया। इस बीच सचिन लक्ष्यहीन तरीके से अपना जीवन जी रहा है। अपने पिता को उनकी बेखबरी से बेकरी की डिलीवरी से मदद कर रहा है। ऐसे ही एक डिलीवरी पर सचिन अपने पुराने दोस्त अमल डेविस से मिलते हैं और उनकी दोस्ती फिर से शुरू हो जाती है। जबकि सचिन अभी भी इस पर विचार कर रहे हैं कि आगे क्या करना है। अमल ने उनके साथ हैदराबाद में गेट पाठ्यक्रम में शामिल होने का सुझाव दिया, जब तक कि सचिन फिर से वीजा के लिए आवेदन नहीं कर सकते और आवेदन विफल होने पर बैकअप के रूप में थी। सचिन इस पर सहमत हो गया और अमल के साथ हैदराबाद चला गया। हैदराबाद में 20 साल की लड़की रेनू हाल में ही में एक आईटी कंपनी की विकास टीम में शामिल हुई है, जहां अधिनाम का एक घमंडी आदमी वरिष्ठ डेवलपर है। शामिल होने के बाद रेनू अपनी दोस्त कार्तिका और अन्य रूममेट निहारिका के साथ अपना एक अपार्टमेंट में रहने लगती है। आदि को रेनू पर क्रश है, लेकिन वह खुद को उसका बेस्टी बताता है। सचिन और अमन एक शादी में रीनू और उसकी टीम से मिलते हैं, जहां रीनू दूल्हे के मेहमान हैं और रीनू दुल्हन के मेहमान हैं। सचिन को रीनू से प्यार हो गया है। शादी के दौरान उन सभी में दोस्ती हो गई। अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण रीनू और कार्तिक ने सचिन और अमल के साथ हैदराबाद लौटने का फैसला किया। रीनू सचिन के साथ बहुत साज है और उनकी हरकतों को मजाकिया और दोस्तानी मानती है। गेट का क्रश छोड़ने के बाद सचिन को हैदराबाद में रहने के लिए फास्ट फूड रेस्तरां में नौकरी मिल गई और वह रीनू के बारे में और अधिक जानना चाहता है। अमल एक पब में कार्तिका के माध्यम से रीनू को सचिन के क्रश के बारे में संकेत देने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे यह कहते हुए गोली मार देती है कि रीनू किसी परिपक्व और निपुण व्यक्ति की तलाश में है, न कि सचिन जैसे किसी व्यक्ति की जिसके पास कल के लिए भी कोई योजना नहीं है। बहुत खोजबीन के बाद सचिन ने रीनू से अपने प्यार का इजहार करने का फैसला किया, लेकिन वह कहती है कि वह कोई ऐसा व्यक्ति चाहती है कि जो परिपक्व हो और जीवन में सुलझा हुआ हो। सचिन ने निराश होकर हैदराबाद छोड़ने और अपने कॉलेज के दोस्त के साथ चेन्नई जाने का फैसला किया। हालांकि रीनू के मन में भी सचिन के लिए
प्रतिभावनाएं विकसित होती हैं, लेकिन वह उनके बारे में अनिश्चित है और वह उसे वापस आने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन उसके कॉल या संदेह का जवाब नहीं देता है। कुछ महीनों के बाद कार्तिका ने सचिन को हैदराबाद में अपनी सगाई की पार्टी में आमंत्रित किया। रीनू उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह आगे बढ़ गया हो और उसे सूचित करता है कि उसका वीज़ा आवेदन आ गया है और वह अगले दिन हैदराबाद से यूके के लिए रवाना हो रहा है। आदि सचिन और अमल पर आरोप लगाता है और उनसे बातचीत करने की मांग करता है। सचिन और अमल दोनों बहुत नशे में थे। आदि से मिक्की निकलते हुए कहते हैं कि रीनू भी उसे स्वीकार कर देगी। सचिन और अमल को गलत साबित करने के लिए आदि पार्टी में सबके सामने रीनू से पूछता है कि क्या वह उससे प्यार करती है। कुछ इस तरह से मूवी के फैक्ट हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पेरोमोलू मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पेरोमोलू एक 2024 भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे गिरीश रेड्डी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। फिल्म में नसलेन के कपूर और ममिता बैजू मुख्य भूमिका में है। इसमें संगीत प्रताप श्याम मोहन, यम मीनाक्षी, रविंद्रन अखिला, भार्गवन, अल्ताफ सलीम और मैथ्यू थॉमस सहित कई कलाकार ने एक विस्तारित कैमियो भूमिका निभाई है। संगीत विश्री विजय द्वारा तैयार किया गया था, जबकि अजमल साबू और आकाश जोसेफ वर्गीस ने फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला था। पेरुमलु की इसकी कहानी संगीत हास्य और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए आलोचकों से प्रशंसा मिलने के बाद 9 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। 3 करोड़ के बजट पर बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और दुनिया भर में 120 करोड़ से अधिक की कमाई की। 5वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली 5वीं मलयालम फिल्म बन गई। यह वर्तमान में अब तक की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है और 2024 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। तेलुगु भाषा में डब संस्करण 8 मार्च 2024 को जारी किया जाएगा और तमिल डब संस्करण 15 मार्च 2024 को जारी किया जाएगा। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो कॉलेज के आखिरी दिन सचिन संतोष अंततः अपने सहपाठी अंजलि से अपने प्यार का इजहार करता है, जो उसे अस्वीकार कर देती है। कॉलेज के बाद सचिन ने सभी परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए उच्च अध्ययन के लिए यूके जाने की योजना बनाई, लेकिन उनका वीजा आवेदन खारिज हो गया जिससे उन्हें 6 महीने बाद आवेदन करने का और मौका मिल गया। इस बीच सचिन लक्ष्यहीन तरीके से अपना जीवन जी रहा है। अपने पिता को उनकी बेखबरी से बेकरी की डिलीवरी से मदद कर रहा है। ऐसे ही एक डिलीवरी पर सचिन अपने पुराने दोस्त अमल डेविस से मिलते हैं और उनकी दोस्ती फिर से शुरू हो जाती है। जबकि सचिन अभी भी इस पर विचार कर रहे हैं कि आगे क्या करना है। अमल ने उनके साथ हैदराबाद में गेट पाठ्यक्रम में शामिल होने का सुझाव दिया, जब तक कि सचिन फिर से वीजा के लिए आवेदन नहीं कर सकते और आवेदन विफल होने पर बैकअप के रूप में थी। सचिन इस पर सहमत हो गया और अमल के साथ हैदराबाद चला गया। हैदराबाद में 20 साल की लड़की रेनू हाल में ही में एक आईटी कंपनी की विकास टीम में शामिल हुई है, जहां अधिनाम का एक घमंडी आदमी वरिष्ठ डेवलपर है। शामिल होने के बाद रेनू अपनी दोस्त कार्तिका और अन्य रूममेट निहारिका के साथ अपना एक अपार्टमेंट में रहने लगती है। आदि को रेनू पर क्रश है, लेकिन वह खुद को उसका बेस्टी बताता है। सचिन और अमन एक शादी में रीनू और उसकी टीम से मिलते हैं, जहां रीनू दूल्हे के मेहमान हैं और रीनू दुल्हन के मेहमान हैं। सचिन को रीनू से प्यार हो गया है। शादी के दौरान उन सभी में दोस्ती हो गई। अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण रीनू और कार्तिक ने सचिन और अमल के साथ हैदराबाद लौटने का फैसला किया। रीनू सचिन के साथ बहुत साज है और उनकी हरकतों को मजाकिया और दोस्तानी मानती है। गेट का क्रश छोड़ने के बाद सचिन को हैदराबाद में रहने के लिए फास्ट फूड रेस्तरां में नौकरी मिल गई और वह रीनू के बारे में और अधिक जानना चाहता है। अमल एक पब में कार्तिका के माध्यम से रीनू को सचिन के क्रश के बारे में संकेत देने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे यह कहते हुए गोली मार देती है कि रीनू किसी परिपक्व और निपुण व्यक्ति की तलाश में है, न कि सचिन जैसे किसी व्यक्ति की जिसके पास कल के लिए भी कोई योजना नहीं है। बहुत खोजबीन के बाद सचिन ने रीनू से अपने प्यार का इजहार करने का फैसला किया, लेकिन वह कहती है कि वह कोई ऐसा व्यक्ति चाहती है कि जो परिपक्व हो और जीवन में सुलझा हुआ हो। सचिन ने निराश होकर हैदराबाद छोड़ने और अपने कॉलेज के दोस्त के साथ चेन्नई जाने का फैसला किया।
हालांकि रीनू के मन में भी सचिन के लिए प्रतिभावनाएं विकसित होती हैं, लेकिन वह उनके बारे में अनिश्चित है और वह उसे वापस आने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन उसके कॉल या संदेह का जवाब नहीं देता है। कुछ महीनों के बाद कार्तिका ने सचिन को हैदराबाद में अपनी सगाई की पार्टी में आमंत्रित किया। रीनू उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह आगे बढ़ गया हो और उसे सूचित करता है कि उसका वीजा आवेदन आ गया है और वह अगले दिन हैदराबाद से यूके के लिए रवाना हो रहा है। आदि सचिन और अमल पर आरोप लगाता है और उनसे बातचीत करने की मांग करता है। सचिन और अमल दोनों बहुत नशे में थे। आदि से मिक्की निकलते हुए कहते हैं कि रीनू भी उसे स्वीकार कर देगी। सचिन और अमल को गलत साबित करने के लिए आदि पार्टी में सबके सामने रीनू से पूछता है कि क्या वह उससे प्यार करती है। कुछ इस तरह से मूवी के फैक्ट्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फेरोमोलू मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फेरोमोलू 2024 भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे गिरीश रेड्डी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। फिल्म में नसलेन के कपूर और ममिता बैजू मुख्य भूमिका में है। इसमें संगीत प्रताप श्याम मोहन, यम मीनाक्षी, रविंद्रन अखिला, भार्गवन, अल्ताफ सलीम और मैथ्यू थॉमस सहित कई कलाकार ने एक विस्तारित कैमियो भूमिका निभाई है। संगीत विश्री विजय द्वारा तैयार किया गया था, जबकि अजमल साबू और आकाश जोसेफ वर्गीस ने फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला था। फेरोमोलू को इसकी कहानी, संगीत, हास्य और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए आलोचकों से प्रशंसा मिलने के बाद 9 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। 3 करोड़ के बजट पर बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और दुनिया भर में 120 करोड़ से अधिक की कमाई की। 5वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली 5वीं मलयालम फिल्म बन गई। यह वर्तमान में अब तक की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है और 2024 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। तेलुगु भाषा में डब संस्करण 8 मार्च 2024 को जारी किया जाएगा और तमिल डब संस्करण 15 मार्च 2024 को जारी किया जाएगा। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो कॉलेज के आखिरी दिन सचिन संतोष अंततः अपने सहपाठी अंजलि से अपने प्यार का इजहार करता है, जो उसे अस्वीकार कर देती है। कॉलेज के बाद सचिन ने सभी परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए उच्च अध्ययन के लिए यूके जाने की योजना बनाई, लेकिन उनका वीजा आवेदन खारिज हो गया, जिससे उन्हें 6 महीने बाद आवेदन करने का और मौका मिल गया। इस बीच सचिन लक्ष्यहीन तरीके से अपना जीवन जी रहा है। अपने पिता को उनकी बेखबरी से बेकरी की डिलीवरी से मदद कर रहा है। ऐसे ही एक डिलीवरी पर सचिन अपने पुराने दोस्त अमल डेविस से मिलते हैं और उनकी दोस्ती फिर से शुरू हो जाती है। जबकि सचिन अभी भी इस पर विचार कर रहे हैं कि आगे क्या करना है। अमल ने उनके साथ हैदराबाद में गेट पाठ्यक्रम में शामिल होने का सुझाव दिया, जब तक कि सचिन फिर से वीजा के लिए आवेदन नहीं कर सकते और आवेदन विफल होने पर बैकअप के रूप में थी। सचिन इस पर सहमत हो गया और अमल के साथ हैदराबाद चला गया। हैदराबाद में 20 साल की लड़की रीनू हाल में ही में एक आईटी कंपनी की विकास टीम में शामिल हुई है, जहां अधिनाम का एक घमंडी आदमी वरिष्ठ डेवलपर है। शामिल होने के बाद रीनू अपनी दोस्त कार्तिका और अन्य रूममेट निहारिका के साथ अपना एक अपार्टमेंट में रहने लगती है। आदि को रीनू पर क्रश है, लेकिन वह खुद को उसका बेस्टी बताता है। सचिन और अमन एक शादी में रीनू और उसकी टीम से मिलते हैं, जहां रीनू दूल्हे के मेहमान हैं और रीनू दुल्हन के मेहमान हैं। सचिन को रीनू से प्यार हो गया है। शादी के दौरान उन सभी में दोस्ती हो गई। अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण रीनू और कार्तिक ने सचिन और अमल के साथ हैदराबाद लौटने का फैसला किया। रीनू सचिन के साथ बहुत साज है और उनकी हरकतों को मजाकिया और दोस्तानी मानती है। गेट का क्रश छोड़ने के बाद सचिन को हैदराबाद में रहने के लिए फास्ट फूड रेस्तरां में नौकरी मिल गई और वह रीनू के बारे में और अधिक जानना चाहता है। अमल एक पब में कार्तिका के माध्यम से रीनू को सचिन के क्रश के बारे में संकेत देने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे यह कहते हुए गोली मार देती है कि रीनू किसी परिपक्व और निपुण व्यक्ति की तलाश में है, न कि सचिन जैसे किसी व्यक्ति की जिसके पास कल के लिए भी कोई योजना नहीं है। बहुत खोजबीन के बाद सचिन ने रीनू से अपने प्यार का इजहार करने का फैसला किया, लेकिन वह कहती है कि वह कोई ऐसा व्यक्ति चाहती है कि जो परिपक्व
हो और जीवन में सुलझा हुआ हो। सचिन ने निराश होकर हैदराबाद छोड़ने और अपने कॉलेज के दोस्त के साथ चेन्नई जाने का फैसला किया। हालांकि रीनू के मन में भी सचिन के लिए प्रतिभावनाएं विकसित होती हैं, लेकिन वह उनके बारे में अनिश्चित है और वह उसे वापस आने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन उसके कॉल या संदेह का जवाब नहीं देता है। कुछ महीनों के बाद कार्तिका ने सचिन को हैदराबाद में अपनी सगाई की पार्टी में आमंत्रित किया। रीनू उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह आगे बढ़ गया हो और उसे सूचित करता है कि उसका वीजा आवेदन आ गया है और वह अगले दिन हैदराबाद से यूके के लिए रवाना हो रहा है। आदि सचिन और अमल पर आरोप लगाता है और उनसे बातचीत करने की मांग करता है। सचिन और अमल दोनों बहुत नशे में थे। आदि से मिक्की निकलते हुए कहते हैं कि रीनू भी उसे स्वीकार कर देगी। सचिन और अमल को गलत साबित करने के लिए आदि पार्टी में सबके सामने रीनू से पूछता है कि क्या वह उससे प्यार करती है। कुछ इस तरह से मूवी के फैक्ट्री में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पेरोमोलू मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पेरोमोलू एक 2024 भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे गिरीश रेड्डी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। फिल्म में नसलेन के कपूर और ममिता बैजू मुख्य भूमिका में है। इसमें संगीत प्रताप श्याम मोहन, यम मीनाक्षी, रविंद्रन अखिला, भार्गवन, अल्ताफ सलीम और मैथ्यू थॉमस सहित कई कलाकार ने एक विस्तारित कैमियो भूमिका निभाई है। संगीत विष्णु विजय द्वारा तैयार किया गया था, जबकि अजमल साबू और आकाश जोसेफ वर्गीस ने फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला था। पेरुमलु को इसकी कहानी, संगीत, हास्य और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए आलोचकों से प्रशंसा मिलने के बाद 9 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। 3 करोड़ के बजट पर बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और दुनिया भर में 120 करोड़ से अधिक की कमाई की। 5वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई। यह वर्तमान में अब तक की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है और 2024 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। तेलुगु भाषा में डब संस्करण 8 मार्च 2024 को जारी किया जाएगा और तमिल डब संस्करण 15 मार्च 2024 को जारी किया जाएगा। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो कॉलेज के आखिरी दिन सचिन संतोष अंततः अपने सहपाठी अंजलि से अपने प्यार का इजहार करता है, जो उसे अस्वीकार कर देती है। कॉलेज के बाद सचिन ने सभी परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए उच्च अध्ययन के लिए यूके जाने की योजना बनाई, लेकिन उनका वीजा आवेदन खारिज हो गया जिससे उन्हें 6 महीने बाद आवेदन करने का और मौका मिल गया। इस बीच सचिन लक्ष्यहीन तरीके से अपना जीवन जी रहा है। अपने पिता को उनकी बेखबरी से बेकरी की डिलीवरी से मदद कर रहा है। ऐसे ही एक डिलीवरी पर सचिन अपने पुराने दोस्त अमल डेविस से मिलते हैं और उनकी दोस्ती फिर से शुरू हो जाती है। जबकि सचिन अभी भी इस पर विचार कर रहे हैं कि आगे क्या करना है। अमल ने उनके साथ हैदराबाद में गेट पाठ्यक्रम में शामिल होने का सुझाव दिया, जब तक कि सचिन फिर से वीजा के लिए आवेदन नहीं कर सकते और आवेदन विफल होने पर बैकअप के रूप में थी। सचिन इस पर सहमत हो गया और अमल के साथ हैदराबाद चला गया। हैदराबाद में 20 साल की लड़की रीनू हाल में ही में एक आईटी कंपनी की विकास टीम में शामिल हुई है, जहां अधिनाम का एक घमंडी आदमी वरिष्ठ डेवलपर है। शामिल होने के बाद रीनू अपनी दोस्त कार्तिका और अन्य रूममेट निहारिका के साथ अपना एक अपार्टमेंट में रहने लगती है। आदि को रीनू पर क्रश है, लेकिन वह खुद को उसका बेस्टी बताता है। सचिन और अमन एक शादी में रीनू और उसकी टीम से मिलते हैं, जहां रीनू दूल्हे के मेहमान हैं और रीनू दुल्हन के मेहमान हैं। सचिन को रीनू से प्यार हो गया है। शादी के दौरान उन सभी में दोस्ती हो गई। अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण रीनू और कार्तिक ने सचिन और अमल के साथ हैदराबाद लौटने का फैसला किया। रीनू सचिन के साथ बहुत साज है और उनकी हरकतों को मजाकिया और दोस्तानी मानती है। गेट का क्रश छोड़ने के बाद सचिन को हैदराबाद में रहने के लिए फास्ट फूड रेस्तरां में नौकरी मिल गई और वह रीनू के बारे में और अधिक जानना चाहता है। अमल एक पब में कार्तिका के माध्यम से रीनू को सचिन के क्रश के बारे में संकेत देने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे यह कहते हुए गोली मार देती है कि रीनू किसी परिपक्व और निपुण व्यक्ति की तलाश में है, न कि सचिन जैसे किसी व्यक्ति की जिसके पास कल के लिए
भी कोई योजना नहीं है। बहुत खोजबीन के बाद सचिन ने रेनू से अपने प्यार का इजहार करने का फैसला किया, लेकिन वह कहती है कि वह कोई ऐसा व्यक्ति चाहती है कि जो परिपक्व हो और जीवन में सुलझा हुआ हो। सचिन ने निराश होकर हैदराबाद छोड़ने और अपने कॉलेज के दोस्त के साथ चेन्नई जाने का फैसला किया। हालांकि रेनू के मन में भी सचिन के लिए प्रतिभावनाएं विकसित होती हैं, लेकिन वह उनके बारे में अनिश्चित है और वह उसे वापस आने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन उसके कॉल या संदेह का जवाब नहीं देता है। कुछ महीनों के बाद कार्तिका ने सचिन को हैदराबाद में अपनी सगाई की पार्टी में आमंत्रित किया। रेनू उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह आगे बढ़ गया हो और उसे सूचित करता है कि उसका वीजा आवेदन आ गया है और वह अगले दिन हैदराबाद से यूके के लिए रवाना हो रहा है। आदि सचिन और अमल पर आरोप लगाता है और उनसे बातचीत करने की मांग करता है। सचिन और अमल दोनों बहुत नशे में थे। आदि से मिक्की निकलते हुए कहते हैं कि रेनू भी उसे स्वीकार कर देगी। सचिन और अमल को गलत साबित करने के लिए आदि पार्टी में सबके सामने रेनू से पूछता है कि क्या वह उससे प्यार करती है। कुछ इस तरह से मूवी के फैक्ट्री में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फेरोमोलू मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फेरोमोलू 2024 भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे गिरीश रेड्डी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। फिल्म में नसलेन के कपूर और ममिता बैजू मुख्य भूमिका में है। इसमें संगीत प्रताप श्याम मोहन, यम मीनाक्षी, रविंद्रन अखिला, भार्गवन, अल्ताफ सलीम और मैथ्यू थॉमस सहित कई कलाकार ने एक विस्तारित कैमियो भूमिका निभाई है। संगीत विष्णु विजय द्वारा तैयार किया गया था, जबकि अजमल साबू और आकाश जोसेफ वर्गीस ने फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला था। फेरोमोलू को इसकी कहानी, संगीत, हास्य और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए आलोचकों से प्रशंसा मिलने के बाद 9 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। 3 करोड़ के बजट पर बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और दुनिया भर में 120 करोड़ से अधिक की कमाई की। 5वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई। यह वर्तमान में अब तक की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है और 2024 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। तेलुगु भाषा में डब संस्करण 8 मार्च 2024 को जारी किया जाएगा और तमिल डब संस्करण 15 मार्च 2024 को जारी किया जाएगा। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो कॉलेज के आखिरी दिन सचिन संतोष अंततः अपने सहपाठी अंजलि से अपने प्यार का इजहार करता है, जो उसे अस्वीकार कर देती है। कॉलेज के बाद सचिन ने सभी परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए उच्च अध्ययन के लिए यूके जाने की योजना बनाई, लेकिन उनका वीजा आवेदन खारिज हो गया, जिससे उन्हें 6 महीने बाद आवेदन करने का और मौका मिल गया। इस बीच सचिन लक्ष्यहीन तरीके से अपना जीवन जी रहा है। अपने पिता को उनकी बेखबरी से बेकरी की डिलीवरी से मदद कर रहा है। ऐसे ही एक डिलीवरी पर सचिन अपने पुराने दोस्त अमल डेविस से मिलते हैं और उनकी दोस्ती फिर से शुरू हो जाती है। जबकि सचिन अभी भी इस पर विचार कर रहे हैं कि आगे क्या करना है। अमल ने उनके साथ हैदराबाद में गेट पाठ्यक्रम में शामिल होने का सुझाव दिया, जब तक कि सचिन फिर से वीजा के लिए आवेदन नहीं कर सकते और आवेदन विफल होने पर बैकअप के रूप में थी। सचिन इस पर सहमत हो गया और अमल के साथ हैदराबाद चला गया। हैदराबाद में 20 साल की लड़की रेनू हाल में ही में एक आईटी कंपनी की विकास टीम में शामिल हुई है, जहां अधिनाम का एक घमंडी आदमी वरिष्ठ डेवलपर है। शामिल होने के बाद रेनू अपने दोस्त कार्तिका और अन्य रूममेट निहारिका के साथ अपना एक अपार्टमेंट में रहने लगती है। आदि को रेनू पर क्रश है, लेकिन वह खुद को उसका बेस्टी बताता है। सचिन और अमन एक शादी में रेनू और उसकी टीम से मिलते हैं, जहां रेनू दूल्हे के मेहमान हैं और रेनू दुल्हन के मेहमान हैं। सचिन को रेनू से प्यार हो गया है। शादी के दौरान उन सभी में दोस्ती हो गई। अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण रेनू और कार्तिक ने सचिन और अमल के साथ हैदराबाद लौटने का फैसला किया। रेनू सचिन के साथ बहुत साज है और उनकी हरकतों को मजाकिया और दोस्तानी मानती है। गेट का क्रश छोड़ने के बाद सचिन को हैदराबाद में रहने के लिए फास्ट फूड रेस्तरां में नौकरी मिल गई और वह रेनू के बारे में और अधिक जानना चाहता है। अमल एक पब में कार्तिका के माध्यम से रेनू को सचिन के क्रश के बारे में संकेत देने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे यह कहते हुए गोली मार देती है कि रेनू किसी परिपक्व
और निपुण व्यक्ति की तलाश में है, न कि सचिन जैसे किसी व्यक्ति की जिसके पास कल के लिए भी कोई योजना नहीं है। बहुत खोजबीन के बाद सचिन ने रेनू से अपने प्यार का इजहार करने का फैसला किया, लेकिन वह कहती है कि वह कोई ऐसा व्यक्ति चाहती है कि जो परिपक्व हो और जीवन में सुलझा हुआ हो। सचिन ने निराश होकर हैदराबाद छोड़ने और अपने कॉलेज के दोस्त के साथ चेन्नई जाने का फैसला किया। हालांकि रेनू के मन में भी सचिन के लिए प्रतिभावनाएं विकसित होती हैं, लेकिन वह उनके बारे में अनिश्चित है और वह उसे वापस आने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन उसके कॉल या संदेह का जवाब नहीं देता है। कुछ महीनों के बाद कार्तिका ने सचिन को हैदराबाद में अपनी सगाई की पार्टी में आमंत्रित किया। रेनू उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह आगे बढ़ गया हो और उसे सूचित करता है कि उसका वीजा आवेदन आ गया है और वह अगले दिन हैदराबाद से यूके के लिए रवाना हो रहा है। आदि सचिन और अमल पर आरोप लगाता है और उनसे बातचीत करने की मांग करता है। सचिन और अमल दोनों बहुत नशे में थे। आदि से मिक्की निकलते हुए कहते हैं कि रेनू भी उसे स्वीकार कर देगी। सचिन और अमल को गलत साबित करने के लिए आदि पार्टी में सबके सामने रेनू से पूछता है कि क्या वह उससे प्यार करती है। कुछ इस तरह से मूवी के फैक्ट्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फेरोमोलू मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फेरोमोलू एक 2024 भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे गिरीश रेड्डी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। फिल्म में नसलेन के कपूर और ममिता बैजू मुख्य भूमिका में है। इसमें संगीत प्रताप श्याम मोहन, यम मीनाक्षी, रविंद्रन अखिला, भार्गवन, अल्ताफ सलीम और मैथ्यू थॉमस सहित कई कलाकार ने एक विस्तारित कैमियो भूमिका निभाई है। संगीत विश्री विजय द्वारा तैयार किया गया था, जबकि अजमल साबू और आकाश जोसेफ वर्गीस ने फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला था। फेरोमोलू को इसकी कहानी, संगीत, हास्य और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए आलोचकों से प्रशंसा मिलने के बाद 9 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। 3 करोड़ के बजट पर बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और दुनिया भर में 120 करोड़ से अधिक की कमाई की। 5वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई। यह वर्तमान में अब तक की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है और 2024 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। तेलुगु भाषा में डब संस्करण 8 मार्च 2024 को जारी किया जाएगा और तमिल डब संस्करण 15 मार्च 2024 को जारी किया जाएगा। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो कॉलेज के आखिरी दिन सचिन संतोष अंततः अपने सहपाठी अंजलि से अपने प्यार का इजहार करता है, जो उसे अस्वीकार कर देती है। कॉलेज के बाद सचिन ने सभी परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए उच्च अध्ययन के लिए यूके जाने की योजना बनाई, लेकिन उनका वीजा आवेदन खारिज हो गया, जिससे उन्हें 6 महीने बाद आवेदन करने का और मौका मिल गया। इस बीच सचिन लक्ष्यहीन तरीके से अपना जीवन जी रहा है। अपने पिता को उनकी बेखबरी से बेकरी की डिलीवरी से मदद कर रहा है। ऐसे ही एक डिलीवरी पर सचिन अपने पुराने दोस्त अमल डेविस से मिलते हैं और उनकी दोस्ती फिर से शुरू हो जाती है। जबकि सचिन अभी भी इस पर विचार कर रहे हैं कि आगे क्या करना है। अमल ने उनके साथ हैदराबाद में गेट पाठ्यक्रम में शामिल होने का सुझाव दिया, जब तक कि सचिन फिर से वीजा के लिए आवेदन नहीं कर सकते और आवेदन विफल होने पर बैकअप के रूप में थी। सचिन इस पर सहमत हो गया और अमल के साथ हैदराबाद चला गया। हैदराबाद में 20 साल की लड़की रेनू हाल में ही में एक आईटी कंपनी की विकास टीम में शामिल हुई है, जहां अधिनाम का एक घमंडी आदमी वरिष्ठ डेवलपर है। शामिल होने के बाद रेनू अपनी दोस्त कार्तिका और अन्य रूममेट निहारिका के साथ अपना एक अपार्टमेंट में रहने लगती है। आदि को रेनू पर क्रश है, लेकिन वह खुद को उसका बेस्टी बताता है। सचिन और अमन एक शादी में रेनू और उसकी टीम से मिलते हैं, जहां रेनू दूल्हे के मेहमान हैं और रेनू दुल्हन के मेहमान हैं। सचिन को रेनू से प्यार हो गया है। शादी के दौरान उन सभी में दोस्ती हो गई। अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण रेनू और कार्तिक ने सचिन और अमल के साथ हैदराबाद लौटने का फैसला किया। रेनू सचिन के साथ बहुत साज है और उनकी हरकतों को मजाकिया और दोस्तानी मानती है। गेट का क्रश छोड़ने के बाद सचिन को हैदराबाद में रहने के लिए फास्ट फूड रेस्तरां में नौकरी मिल गई और वह रेनू के बारे में और अधिक जानना चाहता है। अमल एक
पब में कार्तिका के माध्यम से रेनू को सचिन के क्रश के बारे में संकेत देने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे यह कहते हुए गोली मार देती है कि रेनू किसी परिपक्व और निपुण व्यक्ति की तलाश में है, न कि सचिन जैसे किसी व्यक्ति की जिसके पास कल के लिए भी कोई योजना नहीं है। बहुत खोजबीन के बाद सचिन ने रेनू से अपने प्यार का इजहार करने का फैसला किया, लेकिन वह कहती है कि वह कोई ऐसा व्यक्ति चाहती है कि जो परिपक्व हो और जीवन में सुलझा हुआ हो। सचिन ने निराश होकर हैदराबाद छोड़ने और अपने कॉलेज के दोस्त के साथ चेन्नई जाने का फैसला किया। हालांकि रेनू के मन में भी सचिन के लिए प्रतिभावनाएं विकसित होती हैं, लेकिन वह उनके बारे में अनिश्चित है और वह उसे वापस आने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन उसके कॉल या संदेह का जवाब नहीं देता है। कुछ महीनों के बाद कार्तिका ने सचिन को हैदराबाद में अपनी सगाई की पार्टी में आमंत्रित किया। रेनू उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह आगे बढ़ गया हो और उसे सूचित करता है कि उसका वीजा आवेदन आ गया है और वह अगले दिन हैदराबाद से यूके के लिए रवाना हो रहा है। आदि सचिन और अमल पर आरोप लगाता है और उनसे बातचीत करने की मांग करता है। सचिन और अमल दोनों बहुत नशे में थे। आदि से मिक्की निकलते हुए कहते हैं कि रेनू भी उसे स्वीकार कर देगी। सचिन और अमल को गलत साबित करने के लिए आदि पार्टी में सबके सामने रेनू से पूछता है कि क्या वह उससे प्यार करती है। कुछ इस तरह से मूवी के फैक्ट्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पेरोमोलू मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फाइट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पेरोमोलू एक 2024 भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे गिरीश रेड्डी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। फिल्म में नसलेन के कपूर और ममिता बैजू मुख्य भूमिका में है। इसमें संगीत प्रताप श्याम मोहन, यम मीनाक्षी, रविंद्रन अखिला, भार्गवन, अल्ताफ सलीम और मैथ्यू थॉमस सहित कई कलाकार ने एक विस्तारित कैमियो भूमिका निभाई है। संगीत विष्णु विजय द्वारा तैयार किया गया था, जबकि अजमल साबू और आकाश जोसेफ वर्गीस ने फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला था। पेरुमलु की इसकी कहानी संगीत हास्य और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए आलोचकों से प्रशंसा मिलने के बाद 9 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। 3 करोड़ के बजट पर बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और दुनिया भर में 120 करोड़ से अधिक की कमाई की। 5वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई। यह वर्तमान में अब तक की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है और 2024 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। तेलुगु भाषा में डब संस्करण 8 मार्च 2024 को जारी किया जाएगा और तमिल डब संस्करण 15 मार्च 2024 को जारी किया जाएगा। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो कॉलेज के आखिरी दिन सचिन संतोष अंततः अपने सहपाठी अंजलि से अपने प्यार का इजहार करता है, जो उसे अस्वीकार कर देती है। कॉलेज के बाद सचिन ने सभी परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए उच्च अध्ययन के लिए यूके जाने की योजना बनाई, लेकिन उनका वीजा आवेदन खारिज हो गया जिससे उन्हें 6 महीने बाद आवेदन करने का और मौका मिल गया। इस बीच सचिन लक्ष्यहीन तरीके से अपना जीवन जी रहा है। अपने पिता को उनकी बेखबरी से बेकरी की डिलीवरी से मदद कर रहा है। ऐसे ही एक डिलीवरी पर सचिन अपने पुराने दोस्त अमल डेविस से मिलते हैं और उनकी दोस्ती फिर से शुरू हो जाती है। जबकि सचिन अभी भी इस पर विचार कर रहे हैं कि आगे क्या करना है। अमल ने उनके साथ हैदराबाद में गेट पाठ्यक्रम में शामिल होने का सुझाव दिया, जब तक कि सचिन फिर से वीजा के लिए आवेदन नहीं कर सकते और आवेदन विफल होने पर बैकअप के रूप में थी। सचिन इस पर सहमत हो गया और अमल के साथ हैदराबाद चला गया। हैदराबाद में 20 साल की लड़की रेनू हाल में ही में एक आईटी कंपनी की विकास टीम में शामिल हुई है, जहां अधिनाम का एक घमंडी आदमी वरिष्ठ डेवलपर है। शामिल होने के बाद रेनू अपनी दोस्त कार्तिका और अन्य रूममेट निहारिका के साथ अपना एक अपार्टमेंट में रहने लगती है। आदि को रेनू पर क्रश है, लेकिन वह खुद को उसका बेस्टी बताता है। सचिन और अमन एक शादी में रेनू और उसकी टीम से मिलते हैं, जहां रेनू दूल्हे के मेहमान हैं और रेनू दुल्हन के मेहमान हैं। सचिन को रेनू से प्यार हो गया है। शादी के दौरान उन सभी में दोस्ती हो गई। अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण रेनू और कार्तिक ने सचिन और अमल के साथ हैदराबाद लौटने का फैसला किया। रेनू सचिन के साथ बहुत साज है और उनकी हरकतों को मजाकिया और दोस्तानी मानती है। गेट का क्रश छोड़ने के बाद सचिन को हैदराबाद में रहने के लिए फास्ट फूड
रतांतर में नौकरी मिल गई और वह रीनू के बारे में और अधिक जानना चाहता है। अमल एक पब में कार्तिका के माध्यम से रीनू को सचिन के क्रश के बारे में संकेत देने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे यह कहते हुए गोली मार देती है कि रीनू किसी परिपक्व और निपुण व्यक्ति की तलाश में है, न कि सचिन जैसे किसी व्यक्ति की जिसके पास कल के लिए भी कोई योजना नहीं है। बहुत खोजबीन के बाद सचिन ने रीनू से अपने प्यार का इजहार करने का फैसला किया, लेकिन वह कहती है कि वह कोई ऐसा व्यक्ति चाहती है कि जो परिपक्व हो और जीवन में सुलझा हुआ हो। सचिन ने निराश होकर हैदराबाद छोड़ने और अपने कॉलेज के दोस्त के साथ चेन्नई जाने का फैसला किया। हालांकि रीनू के मन में भी सचिन के लिए प्रतिभावनाएं विकसित होती हैं, लेकिन वह उनके बारे में अनिश्चित है और वह उसे वापस आने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन उसके कॉल या संदेह का जवाब नहीं देता है। कुछ महीनों के बाद कार्तिका ने सचिन को हैदराबाद में अपनी सगाई की पार्टी में आमंत्रित किया। रीनू उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह आगे बढ़ गया हो और उसे सूचित करता है कि उसका वीजा आवेदन आ गया है और वह अगले दिन हैदराबाद से यूके के लिए रवाना हो रहा है। आदि सचिन और अमल पर आरोप लगाता है और उनसे बातचीत करने की मांग करता है। सचिन और अमल दोनों बहुत नशे में थे। आदि से मिक्की निकलते हुए कहते हैं कि रीनू भी उसे स्वीकार कर देगी। सचिन और अमल को गलत साबित करने के लिए आदि पार्टी में सबके सामने रीनू से पूछता है कि क्या वह उससे प्यार करती है। कुछ इस तरह से मूवी के फैक्ट्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पेरोमोलू मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पेरोमोलू एक 2024 भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे गिरीश रेड्डी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। फिल्म में नसलेन के कपूर और ममिता बैजू मुख्य भूमिका में है। इसमें संगीत प्रताप श्याम मोहन, यम मीनाक्षी, रविंद्रन अखिला, भार्गवन, अल्ताफ सलीम और मैथ्यू थॉमस सहित कई कलाकार ने एक विस्तारित कैमियो भूमिका निभाई है। संगीत विश्री विजय द्वारा तैयार किया गया था, जबकि अजमल साबू और आकाश जोसेफ वर्गीस ने फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला था। पेरुमलु की इसकी कहानी संगीत हास्य और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए आलोचकों से प्रशंसा मिलने के बाद 9 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। 3 करोड़ के बजट पर बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और दुनिया भर में 120 करोड़ से अधिक की कमाई की। 5वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली 5वीं मलयालम फिल्म बन गई। यह वर्तमान में अब तक की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है और 2024 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। तेलुगु भाषा में डब संस्करण 8 मार्च 2024 को जारी किया जाएगा और तमिल डब संस्करण 15 मार्च 2024 को जारी किया जाएगा। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो कॉलेज के आखिरी दिन सचिन संतोष अंततः अपने सहपाठी अंजलि से अपने प्यार का इजहार करता है, जो उसे अस्वीकार कर देती है। कॉलेज के बाद सचिन ने सभी परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए उच्च अध्ययन के लिए यूके जाने की योजना बनाई, लेकिन उनका वीजा आवेदन खारिज हो गया, जिससे उन्हें 6 महीने बाद आवेदन करने का और मौका मिल गया। इस बीच सचिन लक्ष्यहीन तरीके से अपना जीवन जी रहा है। अपने पिता को उनकी बेखबरी से बेकरी की डिलीवरी से मदद कर रहा है। ऐसे ही एक डिलीवरी पर सचिन अपने पुराने दोस्त अमल डेविस से मिलते हैं और उनकी दोस्ती फिर से शुरू हो जाती है। जबकि सचिन अभी भी इस पर विचार कर रहे हैं कि आगे क्या करना है। अमल ने उनके साथ हैदराबाद में गेट पाठ्यक्रम में शामिल होने का सुझाव दिया, जब तक कि सचिन फिर से वीजा के लिए आवेदन नहीं कर सकते और आवेदन विफल होने पर बैकअप के रूप में थी। सचिन इस पर सहमत हो गया और अमल के साथ हैदराबाद चला गया। हैदराबाद में 20 साल की लड़की रीनू हाल में ही में एक आईटी कंपनी की विकास टीम में शामिल हुई है, जहां अधिनाम का एक घमंडी आदमी वरिष्ठ डेवलपर है। शामिल होने के बाद रीनू अपनी दोस्त कार्तिका और अन्य रूममेट निहारिका के साथ अपना एक अपार्टमेंट में रहने लगती है। आदि को रीनू पर क्रश है, लेकिन वह खुद को उसका बेस्टी बताता है। सचिन और अमन एक शादी में रीनू और उसकी टीम से मिलते हैं, जहां रीनू दूल्हे के मेहमान हैं और रीनू दुल्हन के मेहमान हैं। सचिन को रीनू से प्यार हो गया है। शादी के दौरान उन सभी में दोस्ती हो गई। अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण रीनू और कार्तिक ने सचिन और अमल के साथ हैदराबाद लौटने का फैसला किया।
रिनू सचिन के साथ बहुत साज है और उनकी हरकतों को मजाकिया और दोस्तानी मानती है। गेट का क्रश छोड़ने के बाद सचिन को हैदराबाद में रहने के लिए फास्ट फूड रेतांतर में नौकरी मिल गई और वह रिनू के बारे में और अधिक जानना चाहता है। अमल एक पब में कार्तिका के माध्यम से रिनू को सचिन के क्रश के बारे में संकेत देने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे यह कहते हुए गोली मार देती है कि रिनू किसी परिपक्व और निपुण व्यक्ति की तलाश में है, न कि सचिन जैसे किसी व्यक्ति की जिसके पास कल के लिए भी कोई योजना नहीं है। बहुत खोजबीन के बाद सचिन ने रिनू से अपने प्यार का इजहार करने का फैसला किया, लेकिन वह कहती है कि वह कोई ऐसा व्यक्ति चाहती है कि जो परिपक्व हो और जीवन में सुलझा हुआ हो। सचिन ने निराश होकर हैदराबाद छोड़ने और अपने कॉलेज के दोस्त के साथ चेन्नई जाने का फैसला किया। हालांकि रिनू के मन में भी सचिन के लिए प्रतिभावनाएं विकसित होती हैं, लेकिन वह उनके बारे में अनिश्चित है और वह उसे वापस आने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन उसके कॉल या संदेह का जवाब नहीं देता है। कुछ महीनों के बाद कार्तिका ने सचिन को हैदराबाद में अपनी सगाई की पार्टी में आमंत्रित किया। रिनू उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह आगे बढ़ गया हो और उसे सूचित करता है कि उसका वीजा आवेदन आ गया है और वह अगले दिन हैदराबाद से यूके के लिए रवाना हो रहा है। आदि सचिन और अमल पर आरोप लगाता है और उनसे बातचीत करने की मांग करता है। सचिन और अमल दोनों बहुत नशे में थे। आदि से मिक्की निकलते हुए कहते हैं कि रिनू भी उसे स्वीकार कर देगी। सचिन और अमल को गलत साबित करने के लिए आदि पार्टी में सबके सामने रिनू से पूछता है कि क्या वह उससे प्यार करती है। कुछ इस तरह से मूवी के फैक्ट्री में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फेरोमोलू मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फेरोमोलू एक 2024 भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे गिरीश रेड्डी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। फिल्म में नसलेन के कपूर और ममिता बैजू मुख्य भूमिका में है। इसमें संगीत प्रताप श्याम मोहन, यम मीनाक्षी, रविंद्रन अखिला, भार्गवन, अल्ताफ सलीम और मैथ्यू थॉमस सहित कई कलाकार ने एक विस्तारित कैमियो भूमिका निभाई है। संगीत विश्री विजय द्वारा तैयार किया गया था, जबकि अजमल राव साबू और आकाश जोसेफ वर्गीस ने फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला था। फेरोमोलू को इसकी कहानी, संगीत, हास्य और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए आलोचकों से प्रशंसा मिलने के बाद 9 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। 3 करोड़ के बजट पर बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और दुनिया भर में 120 करोड़ से अधिक की कमाई की। 5वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई। यह वर्तमान में अब तक की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है और 2024 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। तेलुगु भाषा में डब संस्करण 8 मार्च 2024 को जारी किया जाएगा और तमिल डब संस्करण 15 मार्च 2024 को जारी किया जाएगा। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो कॉलेज के आखिरी दिन सचिन संतोष अंततः अपने सहपाठी अंजलि से अपने प्यार का इजहार करता है, जो उसे अस्वीकार कर देती है। कॉलेज के बाद सचिन ने सभी परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए उच्च अध्ययन के लिए यूके जाने की योजना बनाई, लेकिन उनका वीजा आवेदन खारिज हो गया जिससे उन्हें 6 महीने बाद आवेदन करने का और मौका मिल गया। इस बीच सचिन लक्ष्यहीन तरीके से अपना जीवन जी रहा है। अपने पिता को उनकी बेखबरी से बेकरी की डिलीवरी से मदद कर रहा है। ऐसे ही एक डिलीवरी पर सचिन अपने पुराने दोस्त अमल डेविस से मिलते हैं और उनकी दोस्ती फिर से शुरू हो जाती है। जबकि सचिन अभी भी इस पर विचार कर रहे हैं कि आगे क्या करना है। अमल ने उनके साथ हैदराबाद में गेट पाठ्यक्रम में शामिल होने का सुझाव दिया, जब तक कि सचिन फिर से वीजा के लिए आवेदन नहीं कर सकते और आवेदन विफल होने पर बैकअप के रूप में थी। सचिन इस पर सहमत हो गया और अमल के साथ हैदराबाद चला गया। हैदराबाद में 20 साल की लड़की रिनू हाल में ही में एक आईटी कंपनी की विकास टीम में शामिल हुई है, जहां अधिनाम का एक घमंडी आदमी वरिष्ठ डेवलपर है। शामिल होने के बाद रिनू अपने दोस्त कार्तिका और अन्य रूममेट निहारिका के साथ अपना एक अपार्टमेंट में रहने लगती है। आदि को रिनू पर क्रश है, लेकिन वह खुद को उसका बेस्टी बताता है। सचिन और अमन एक शादी में रिनू और उसकी टीम से मिलते हैं, जहां रिनू दूल्हे के मेहमान हैं और रिनू दुल्हन के मेहमान हैं। सचिन को रिनू से प्यार हो गया है। शादी के दौरान उन सभी में दोस्ती हो गई।
अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण रेणु और कार्तिक ने सचिन और अमल के साथ हैदराबाद लौटने का फैसला किया। रेणु सचिन के साथ बहुत साज है और उनकी हरकतों को मजाकिया और दोस्तानी मानती है। गेट का क्रश छोड़ने के बाद सचिन को हैदराबाद में रहने के लिए फास्ट फूड रेस्तरां में नौकरी मिल गई और वह रेणु के बारे में और अधिक जानना चाहता है। अमल एक पब में कार्तिका के माध्यम से रेणु को सचिन के क्रश के बारे में संकेत देने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे यह कहते हुए गोली मार देती है कि रेणु किसी परिपक्व और निपुण व्यक्ति की तलाश में है, न कि सचिन जैसे किसी व्यक्ति की जिसके पास कल के लिए भी कोई योजना नहीं है। बहुत खोजबीन के बाद सचिन ने रेणु से अपने प्यार का इजहार करने का फैसला किया, लेकिन वह कहती है कि वह कोई ऐसा व्यक्ति चाहती है कि जो परिपक्व हो और जीवन में सुलझा हुआ हो। सचिन ने निराश होकर हैदराबाद छोड़ने और अपने कॉलेज के दोस्त के साथ चेन्नई जाने का फैसला किया। हालांकि रेणु के मन में भी सचिन के लिए प्रतिभावनाएं विकसित होती हैं, लेकिन वह उनके बारे में अनिश्चित है और वह उसे वापस आने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन उसके कॉल या संदेह का जवाब नहीं देता है। कुछ महीनों के बाद कार्तिका ने सचिन को हैदराबाद में अपनी सगाई की पार्टी में आमंत्रित किया। रेणु उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह आगे बढ़ गया हो और उसे सूचित करता है कि उसका वीजा आवेदन आ गया है और वह अगले दिन हैदराबाद से यूके के लिए रवाना हो रहा है। आदि सचिन और अमल पर आरोप लगाता है और उनसे बातचीत करने की मांग करता है। सचिन और अमल दोनों बहुत नशे में थे। आदि से मिक्की निकलते हुए कहते हैं कि रेणु भी उसे स्वीकार कर देगी। सचिन और अमल को गलत साबित करने के लिए आदि पार्टी में सबके सामने रेणु से पूछता है कि क्या वह उससे प्यार करती है। कुछ इस तरह से मूवी के फैक्ट्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फेरोमोलू मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फेरोमोलू एक 2024 भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे गिरीश रेड्डी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। फिल्म में नसलेन के कपूर और ममिता बैजू मुख्य भूमिका में है। इसमें संगीत प्रताप श्याम मोहन, यम मीनाक्षी, रविंद्रन अखिला, भार्गवन, अल्ताफ सलीम और मैथ्यू थॉमस सहित कई कलाकार ने एक विस्तारित कैमियो भूमिका निभाई है। संगीत विष्णु विजय द्वारा तैयार किया गया था, जबकि अजमल साबू और आकाश जोसेफ वर्गीस ने फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला था। फेरोमोलू को इसकी कहानी, संगीत, हास्य और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए आलोचकों से प्रशंसा मिलने के बाद 9 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। 3 करोड़ के बजट पर बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और दुनिया भर में 120 करोड़ से अधिक की कमाई की। 5वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली 5वीं मलयालम फिल्म बन गई। यह वर्तमान में अब तक की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है और 2024 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। तेलुगु भाषा में डब संस्करण 8 मार्च 2024 को जारी किया जाएगा और तमिल डब संस्करण 15 मार्च 2024 को जारी किया जाएगा। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो कॉलेज के आखिरी दिन सचिन संतोष अंततः अपने सहपाठी अंजलि से अपने प्यार का इजहार करता है, जो उसे अस्वीकार कर देती है। कॉलेज के बाद सचिन ने सभी परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए उच्च अध्ययन के लिए यूके जाने की योजना बनाई, लेकिन उनका वीजा आवेदन खारिज हो गया जिससे उन्हें 6 महीने बाद आवेदन करने का और मौका मिल गया। इस बीच सचिन लक्ष्यहीन तरीके से अपना जीवन जी रहा है। अपने पिता को उनकी बेखबरी से बेकरी की डिलीवरी से मदद कर रहा है। ऐसे ही एक डिलीवरी पर सचिन अपने पुराने दोस्त अमल डेविस से मिलते हैं और उनकी दोस्ती फिर से शुरू हो जाती है। जबकि सचिन अभी भी इस पर विचार कर रहे हैं कि आगे क्या करना है। अमल ने उनके साथ हैदराबाद में गेट पाठ्यक्रम में शामिल होने का सुझाव दिया, जब तक कि सचिन फिर से वीजा के लिए आवेदन नहीं कर सकते और आवेदन विफल होने पर बैकअप के रूप में थी। सचिन इस पर सहमत हो गया और अमल के साथ हैदराबाद चला गया। हैदराबाद में 20 साल की लड़की रेणु हाल में ही में एक आईटी कंपनी की विकास टीम में शामिल हुई है, जहां अधिनाम का एक घमंडी आदमी वरिष्ठ डेवलपर है। शामिल होने के बाद रेणु अपनी दोस्त कार्तिका और अन्य रूममेट निहारिका के साथ अपना एक अपार्टमेंट में रहने लगती है। आदि को रेणु पर क्रश है, लेकिन वह खुद को उसका बेस्टी बताता है। सचिन और अमल एक शादी में रेणु और उसकी
टीम से मिलते हैं जहां रीनू दूल्हे के मेहमान हैं और रीनू दुल्हन के मेहमान हैं। सचिन को रीनू से प्यार हो गया है, शादी के दौरान उन सभी में दोस्ती हो गई। अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण रीनू और कार्तिक ने सचिन और अमल के साथ हैदराबाद लौटने का फैसला किया। रीनू सचिन के साथ बहुत साज है और उनकी हरकतों को मजाकिया और दोस्तानी मानती है। गेट का क्रश छोड़ने के बाद सचिन को हैदराबाद में रहने के लिए फास्ट फूड रेस्तरां में नौकरी मिल गई और वह रीनू के बारे में और अधिक जानना चाहता है। अमल एक पब में कार्तिका के माध्यम से रीनू को सचिन के क्रश के बारे में संकेत देने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे यह कहते हुए गोली मार देती है कि रीनू किसी परिपक्व और निपुण व्यक्ति की तलाश में है, न कि सचिन जैसे किसी व्यक्ति की जिसके पास कल के लिए भी कोई योजना नहीं है। बहुत खोजबीन के बाद सचिन ने रीनू से अपने प्यार का इजहार करने का फैसला किया, लेकिन वह कहती है कि वह कोई ऐसा व्यक्ति चाहती है कि जो परिपक्व हो और जीवन में सुलझा हुआ हो। सचिन ने निराश होकर हैदराबाद छोड़ने और अपने कॉलेज के दोस्त के साथ चेन्नई जाने का फैसला किया। हालांकि रीनू के मन में भी सचिन के लिए प्रतिभावनाएं विकसित होती हैं, लेकिन वह उनके बारे में अनिश्चित है और वह उसे वापस आने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन उसके कॉल या संदेह का जवाब नहीं देता है। कुछ महीनों के बाद कार्तिका ने सचिन को हैदराबाद में अपनी सगाई की पार्टी में आमंत्रित किया। रीनू उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह आगे बढ़ गया हो और उसे सूचित करता है कि उसका वीजा आवेदन आ गया है और वह अगले दिन हैदराबाद से यूके के लिए रवाना हो रहा है। आदि सचिन और अमल पर आरोप लगाता है और उनसे बातचीत करने की मांग करता है। सचिन और अमल दोनों बहुत नशे में थे। आदि से मिक्की निकलते हुए कहते हैं कि रीनू भी उसे स्वीकार कर देगी। सचिन और अमल को गलत साबित करने के लिए आदि पार्टी में सबके सामने रीनू से पूछता है कि क्या वह उससे प्यार करती है। कुछ इस तरह से मूवी के फैक्ट्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पेरोमोलू मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पेरोमोलू एक 2024 भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे गिरीश रेड्डी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। फिल्म में नसलेन के कपूर और ममिता बैजू मुख्य भूमिका में है। इसमें संगीत प्रताप श्याम मोहन, यम मीनाक्षी, रविंद्रन अखिला, भार्गवन, अल्ताफ सलीम और मैथ्यू थॉमस सहित कई कलाकार ने एक विस्तारित कैमियो भूमिका निभाई है। संगीत विष्णु विजय द्वारा तैयार किया गया था, जबकि अजमल साबू और आकाश जोसेफ वर्गीस ने फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला था। पेरुमलु को इसकी कहानी, संगीत, हास्य और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए आलोचकों से प्रशंसा मिलने के बाद 9 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। 3 करोड़ के बजट पर बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और दुनिया भर में 120 करोड़ से अधिक की कमाई की। 5वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली 5वीं मलयालम फिल्म बन गई। यह वर्तमान में अब तक की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है और 2024 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। तेलुगु भाषा में डब संस्करण 8 मार्च 2024 को जारी किया जाएगा और तमिल डब संस्करण 15 मार्च 2024 को जारी किया जाएगा। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो कॉलेज के आखिरी दिन सचिन संतोष अंततः अपने सहपाठी अंजलि से अपने प्यार का इजहार करता है, जो उसे अस्वीकार कर देती है। कॉलेज के बाद सचिन ने सभी परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए उच्च अध्ययन के लिए यूके जाने की योजना बनाई, लेकिन उनका वीजा आवेदन खारिज हो गया जिससे उन्हें 6 महीने बाद आवेदन करने का और मौका मिल गया। इस बीच सचिन लक्ष्यहीन तरीके से अपना जीवन जी रहा है। अपने पिता को उनकी बेखबरी से बेकरी की डिलीवरी से मदद कर रहा है। ऐसे ही एक डिलीवरी पर सचिन अपने पुराने दोस्त अमल डेविस से मिलते हैं और उनकी दोस्ती फिर से शुरू हो जाती है। जबकि सचिन अभी भी इस पर विचार कर रहे हैं कि आगे क्या करना है। अमल ने उनके साथ हैदराबाद में गेट पाठ्यक्रम में शामिल होने का सुझाव दिया, जब तक कि सचिन फिर से वीजा के लिए आवेदन नहीं कर सकते और आवेदन विफल होने पर बैकअप के रूप में थी। सचिन इस पर सहमत हो गया और अमल के साथ हैदराबाद चला गया। हैदराबाद में 20 साल की लड़की रीनू हाल में ही में एक आईटी कंपनी की विकास टीम में शामिल हुई है, जहां अधिनाम का एक घमंडी आदमी वरिष्ठ डेवलपर है। शामिल होने के बाद रीनू अपनी दोस्त कार्तिका और अन्य रूममेट निहारिका के साथ अपना एक अपार्टमेंट में रहने लगती है।
आदि को रेनू पर क्रश है, लेकिन वह खुद को उसका बेस्टी बताता है। सचिन और अमन एक शादी में रेनू और उसकी टीम से मिलते हैं, जहां रेनू दूल्हे के मेहमान हैं और रेनू दुल्हन के मेहमान हैं। सचिन को रेनू से प्यार हो गया है। शादी के दौरान उन सभी में दोस्ती हो गई। अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण रेनू और कार्तिक ने सचिन और अमल के साथ हैदराबाद लौटने का फैसला किया। रेनू सचिन के साथ बहुत साज है और उनकी हरकतों को मजाकिया और दोस्तानी मानती है। गेट का क्रश छोड़ने के बाद सचिन को हैदराबाद में रहने के लिए फास्ट फूड रेस्तरां में नौकरी मिल गई और वह रेनू के बारे में और अधिक जानना चाहता है। अमल एक पब में कार्तिका के माध्यम से रेनू को सचिन के क्रश के बारे में संकेत देने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे यह कहते हुए गोली मार देती है कि रेनू किसी परिपक्व और निपुण व्यक्ति की तलाश में है, न कि सचिन जैसे किसी व्यक्ति की जिसके पास कल के लिए भी कोई योजना नहीं है। बहुत खोजबीन के बाद सचिन ने रेनू से अपने प्यार का इजहार करने का फैसला किया, लेकिन वह कहती है कि वह कोई ऐसा व्यक्ति चाहती है कि जो परिपक्व हो और जीवन में सुलझा हुआ हो। सचिन ने निराश होकर हैदराबाद छोड़ने और अपने कॉलेज के दोस्त के साथ चेन्नई जाने का फैसला किया। हालांकि रेनू के मन में भी सचिन के लिए प्रतिभावनाएं विकसित होती हैं, लेकिन वह उनके बारे में अनिश्चित है और वह उसे वापस आने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन उसके कॉल या संदेह का जवाब नहीं देता है। कुछ महीनों के बाद कार्तिका ने सचिन को हैदराबाद में अपनी सगाई की पार्टी में आमंत्रित किया। रेनू उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह आगे बढ़ गया हो और उसे सूचित करता है कि उसका वीजा आवेदन आ गया है और वह अगले दिन हैदराबाद से यूके के लिए रवाना हो रहा है। आदि सचिन और अमल पर आरोप लगाता है और उनसे बातचीत करने की मांग करता है। सचिन और अमल दोनों बहुत नशे में थे। आदि से मिक्की निकलते हुए कहते हैं कि रेनू भी उसे स्वीकार कर देगी। सचिन और अमल को गलत साबित करने के लिए आदि पार्टी में सबके सामने रेनू से पूछता है कि क्या वह उससे प्यार करती है। कुछ इस तरह से मूवी के फैक्ट्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पेरोमोलू मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पेरोमोलू एक 2024 भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे गिरीश रेड्डी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। फिल्म में नसलेन के कपूर और ममिता बैजू मुख्य भूमिका में है। इसमें संगीत प्रताप श्याम मोहन, यम मीनाक्षी, रविंद्रन अखिला, भार्गवन, अल्ताफ सलीम और मैथ्यू थॉमस सहित कई कलाकार ने एक विस्तारित कैमियो भूमिका निभाई है। संगीत विश्री विजय द्वारा तैयार किया गया था, जबकि अजमल साबू और आकाश जोसेफ वर्गीस ने फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला था। पेरुमलु को इसकी कहानी, संगीत, हास्य और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए आलोचकों से प्रशंसा मिलने के बाद 9 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। 3 करोड़ के बजट पर बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और दुनिया भर में 120 करोड़ से अधिक की कमाई की। 5वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली 5वीं मलयालम फिल्म बन गई। यह वर्तमान में अब तक की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है और 2024 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। तेलुगु भाषा में डब संस्करण 8 मार्च 2024 को जारी किया जाएगा और तमिल डब संस्करण 15 मार्च 2024 को जारी किया जाएगा। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो कॉलेज के आखिरी दिन सचिन संतोष अंततः अपने सहपाठी अंजलि से अपने प्यार का इजहार करता है, जो उसे अस्वीकार कर देती है। कॉलेज के बाद सचिन ने सभी परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए उच्च अध्ययन के लिए यूके जाने की योजना बनाई, लेकिन उनका वीजा आवेदन खारिज हो गया, जिससे उन्हें 6 महीने बाद आवेदन करने का और मौका मिल गया। इस बीच सचिन लक्ष्यहीन तरीके से अपना जीवन जी रहा है। अपने पिता को उनकी बेखबरी से बेकरी की डिलीवरी से मदद कर रहा है। ऐसे ही एक डिलीवरी पर सचिन अपने पुराने दोस्त अमल डेविस से मिलते हैं और उनकी दोस्ती फिर से शुरू हो जाती है। जबकि सचिन अभी भी इस पर विचार कर रहे हैं कि आगे क्या करना है। अमल ने उनके साथ हैदराबाद में गेट पाठ्यक्रम में शामिल होने का सुझाव दिया, जब तक कि सचिन फिर से वीजा के लिए आवेदन नहीं कर सकते और आवेदन विफल होने पर बैकअप के रूप में थी। सचिन इस पर सहमत हो गया और अमल के साथ हैदराबाद चला गया। हैदराबाद में 20 साल की लड़की रेनू हाल में ही में एक आईटी कंपनी की विकास टीम में शामिल हुई है, जहां अधिनाम का एक घमंडी आदमी वरिष्ठ डेवलपर है।
शामिल होने के बाद रीनू अपनी दोस्त कार्तिका और अन्य रूममेट निहारिका के साथ अपना एक अपार्टमेंट में रहने लगती है। आदिक को रीनू पर क्रश है, लेकिन वह खुद को उसका बेस्टी बताता है। सचिन और अमन एक शादी में रीनू और उसकी टीम से मिलते हैं, जहां रीनू दूल्हे के मेहमान हैं और रीनू दुल्हन के मेहमान हैं। सचिन को रीनू से प्यार हो गया है। शादी के दौरान उन सभी में दोस्ती हो गई। अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण रीनू और कार्तिक ने सचिन और अमल के साथ हैदराबाद लौटने का फैसला किया। रीनू सचिन के साथ बहुत साज है और उनकी हरकतों को मजाकिया और दोस्तानी मानती है। गेट का क्रश छोड़ने के बाद सचिन को हैदराबाद में रहने के लिए फास्ट फूड रेस्तरां में नौकरी मिल गई और वह रीनू के बारे में और अधिक जानना चाहता है। अमल एक पब में कार्तिका के माध्यम से रीनू को सचिन के क्रश के बारे में संकेत देने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे यह कहते हुए गोली मार देती है कि रीनू किसी परिपक्व और निपुण व्यक्ति की तलाश में है, न कि सचिन जैसे किसी व्यक्ति की जिसके पास कल के लिए भी कोई योजना नहीं है। बहुत खोजबीन के बाद सचिन ने रीनू से अपने प्यार का इजहार करने का फैसला किया, लेकिन वह कहती है कि वह कोई ऐसा व्यक्ति चाहती है कि जो परिपक्व हो और जीवन में सुलझा हुआ हो। सचिन ने निराश होकर हैदराबाद छोड़ने और अपने कॉलेज के दोस्त के साथ चेन्नई जाने का फैसला किया। हालांकि रीनू के मन में भी सचिन के लिए प्रतिभावनाएं विकसित होती हैं, लेकिन वह उनके बारे में अनिश्चित है और वह उसे वापस आने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन उसके कॉल या संदेह का जवाब नहीं देता है। कुछ महीनों के बाद कार्तिका ने सचिन को हैदराबाद में अपनी सगाई की पार्टी में आमंत्रित किया। रीनू उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह आगे बढ़ गया हो और उसे सूचित करता है कि उसका वीजा आवेदन आ गया है और वह अगले दिन हैदराबाद से यूके के लिए रवाना हो रहा है। आदि सचिन और अमल पर आरोप लगाता है और उनसे बातचीत करने की मांग करता है। सचिन और अमल दोनों बहुत नशे में थे। आदि से मिक्की निकलते हुए कहते हैं कि रीनू भी उसे स्वीकार कर देगी। सचिन और अमल को गलत साबित करने के लिए आदि पार्टी में सबके सामने रीनू से पूछता है कि क्या वह उससे प्यार करती है। कुछ इस तरह से मूवी के फैक्ट्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पेरोमोलू मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पेरोमोलू एक 2024 भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे गिरीश रेड्डी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। फिल्म में नसलेन के कपूर और ममिता बैजू मुख्य भूमिका में है। इसमें संगीत प्रताप श्याम मोहन, यम मीनाक्षी, रविंद्रन अखिला, भार्गवन, अल्ताफ सलीम और मैथ्यू थॉमस सहित कई कलाकार ने एक विस्तारित कैमियो भूमिका निभाई है। संगीत विश्री विजय द्वारा तैयार किया गया था, जबकि अजमल साबू और आकाश जोसेफ वर्गीस ने फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला था। पेरुमलु को इसकी कहानी, संगीत, हास्य और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए आलोचकों से प्रशंसा मिलने के बाद 9 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। 3 करोड़ के बजट पर बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और दुनिया भर में 120 करोड़ से अधिक की कमाई की। 5वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली 5वीं मलयालम फिल्म बन गई। यह वर्तमान में अब तक की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है और 2024 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। तेलुगु भाषा में डब संस्करण 8 मार्च 2024 को जारी किया जाएगा और तमिल डब संस्करण 15 मार्च 2024 को जारी किया जाएगा। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो कॉलेज के आखिरी दिन सचिन संतोष अंततः अपने सहपाठी अंजलि से अपने प्यार का इजहार करता है, जो उसे अस्वीकार कर देती है। कॉलेज के बाद सचिन ने सभी परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए उच्च अध्ययन के लिए यूके जाने की योजना बनाई, लेकिन उनका वीजा आवेदन खारिज हो गया, जिससे उन्हें 6 महीने बाद आवेदन करने का और मौका मिल गया। इस बीच सचिन लक्ष्यहीन तरीके से अपना जीवन जी रहा है। अपने पिता को उनकी बेखबरी से बेकरी की डिलीवरी से मदद कर रहा है। ऐसे ही एक डिलीवरी पर सचिन अपने पुराने दोस्त अमल डेविस से मिलते हैं और उनकी दोस्ती फिर से शुरू हो जाती है। जबकि सचिन अभी भी इस पर विचार कर रहे हैं कि आगे क्या करना है। अमल ने उनके साथ हैदराबाद में गेट पाठ्यक्रम में शामिल होने का सुझाव दिया, जब तक कि सचिन फिर से वीजा के लिए आवेदन नहीं कर सकते और आवेदन विफल होने पर बैकअप के रूप में थी। सचिन इस पर सहमत हो गया और अमल के साथ हैदराबाद चला गया। हैदराबाद में 20 साल की लड़की रीनू हाल में ही में एक आईटी कंपनी की विकास टीम में शामिल हुई है।
जहां अधी नाम का एक घमंडी आदमी वरिष्ठ डेवलपर है। शामिल होने के बाद रीनू अपने दोस्त कार्तिका और अन्य रूममेट निहारिका के साथ अपना एक अपार्टमेंट में रहने लगती है। आदि को रीनू पर क्रश है, लेकिन वह खुद को उसका बेस्टी बताता है। सचिन और अमन एक शादी में रीनू और उसकी टीम से मिलते हैं, जहां रीनू दूल्हे के मेहमान हैं और रीनू दुल्हन के मेहमान हैं। सचिन को रीनू से प्यार हो गया है। शादी के दौरान उन सभी में दोस्ती हो गई। अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण रीनू और कार्तिक ने सचिन और अमल के साथ हैदराबाद लौटने का फैसला किया। रीनू सचिन के साथ बहुत साज है और उनकी हरकतों को मजाकिया और दोस्तानी मानती है। गेट का क्रश छोड़ने के बाद सचिन को हैदराबाद में रहने के लिए फास्ट फूड रेस्तरां में नौकरी मिल गई और वह रीनू के बारे में और अधिक जानना चाहता है। अमल एक पब में कार्तिका के माध्यम से रीनू को सचिन के क्रश के बारे में संकेत देने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे यह कहते हुए गोली मार देती है कि रीनू किसी परिपक्व और निपुण व्यक्ति की तलाश में है, न कि सचिन जैसे किसी व्यक्ति की जिसके पास कल के लिए भी कोई योजना नहीं है। बहुत खोजबीन के बाद सचिन ने रीनू से अपने प्यार का इजहार करने का फैसला किया, लेकिन वह कहती है कि वह कोई ऐसा व्यक्ति चाहती है कि जो परिपक्व हो और जीवन में सुलझा हुआ हो। सचिन ने निराश होकर हैदराबाद छोड़ने और अपने कॉलेज के दोस्त के साथ चेन्नई जाने का फैसला किया। हालांकि रीनू के मन में भी सचिन के लिए प्रतिभावनाएं विकसित होती हैं, लेकिन वह उनके बारे में अनिश्चित है और वह उसे वापस आने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन उसके कॉल या संदेह का जवाब नहीं देता है। कुछ महीनों के बाद कार्तिका ने सचिन को हैदराबाद में अपनी सगाई की पार्टी में आमंत्रित किया। रीनू उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह आगे बढ़ गया हो और उसे सूचित करता है कि उसका वीजा आवेदन आ गया है और वह अगले दिन हैदराबाद से यूके के लिए रवाना हो रहा है। आदि सचिन और अमल पर आरोप लगाता है और उनसे बातचीत करने की मांग करता है। सचिन और अमल दोनों बहुत नशे में थे। आदि से मिक्की निकलते हुए कहते हैं कि रीनू भी उसे स्वीकार कर देगी। सचिन और अमल को गलत साबित करने के लिए आदि पार्टी में सबके सामने रीनू से पूछता है कि क्या वह उससे प्यार करती है। कुछ इस तरह से मूवी के फैक्ट्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फेरोमोलू मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फेरोमोलू एक 2024 भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे गिरीश रेड्डी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। फिल्म में नसलेन के कपूर और ममिता बैजू मुख्य भूमिका में है। इसमें संगीत प्रताप श्याम मोहन, यम मीनाक्षी, रविंद्रन अखिला, भार्गवन, अल्ताफ सलीम और मैथ्यू थॉमस सहित कई कलाकार ने एक विस्तारित कैमियो भूमिका निभाई है। संगीत विश्री विजय द्वारा तैयार किया गया था, जबकि अजमल साबू और आकाश जोसेफ वर्गीस ने फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला था। फेरोमोलू को इसकी कहानी, संगीत, हास्य और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए आलोचकों से प्रशंसा मिलने के बाद 9 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। 3 करोड़ के बजट पर बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और दुनिया भर में 120 करोड़ से अधिक की कमाई की। 5वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई। यह वर्तमान में अब तक की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है और 2024 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। तेलुगु भाषा में डब संस्करण 8 मार्च 2024 को जारी किया जाएगा और तमिल डब संस्करण 15 मार्च 2024 को जारी किया जाएगा। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो कॉलेज के आखिरी दिन सचिन संतोष अंततः अपने सहपाठी अंजलि से अपने प्यार का इजहार करता है, जो उसे अस्वीकार कर देती है। कॉलेज के बाद सचिन ने सभी परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए उच्च अध्ययन के लिए यूके जाने की योजना बनाई, लेकिन उनका वीजा आवेदन खारिज हो गया, जिससे उन्हें 6 महीने बाद आवेदन करने का और मौका मिल गया। इस बीच सचिन लक्ष्यहीन तरीके से अपना जीवन जी रहा है। अपने पिता को उनकी बेखबरी से बेकरी की डिलीवरी से मदद कर रहा है। ऐसे ही एक डिलीवरी पर सचिन अपने पुराने दोस्त अमल डेविस से मिलते हैं और उनकी दोस्ती फिर से शुरू हो जाती है। जबकि सचिन अभी भी इस पर विचार कर रहे हैं कि आगे क्या करना है। अमल ने उनके साथ हैदराबाद में गेट पाठ्यक्रम में शामिल होने का सुझाव दिया, जब तक कि सचिन फिर से वीजा के लिए आवेदन नहीं कर सकते और आवेदन विफल होने पर बैकअप के रूप में थी। सचिन इस पर सहमत हो गया और अमल के साथ हैदराबाद चला गया।
हैदराबाद में 20 साल की लड़की रेनू हाल ही में एक आईटी कंपनी की विकास टीम में शामिल हुई है, जहां अधिनाम का एक घमंडी आदमी वरिष्ठ डेवलपर है। शामिल होने के बाद रेनू अपने दोस्त कार्तिका और अन्य रूममेट निहारिका के साथ अपना एक अपार्टमेंट में रहने लगती है। आदि को रेनू पर क्रश है, लेकिन वह खुद को उसका बेस्टी बताता है। सचिन और अमन एक शादी में रेनू और उसकी टीम से मिलते हैं, जहां रेनू दूल्हे के मेहमान हैं और रेनू दुल्हन के मेहमान हैं। सचिन को रेनू से प्यार हो गया है। शादी के दौरान उन सभी में दोस्ती हो गई। अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण रेनू और कार्तिक ने सचिन और अमल के साथ हैदराबाद लौटने का फैसला किया। रेनू सचिन के साथ बहुत साज है और उनकी हरकतों को मजाकिया और दोस्तानी मानती है। गेट का क्रश छोड़ने के बाद सचिन को हैदराबाद में रहने के लिए फास्ट फूड रेस्तरां में नौकरी मिल गई और वह रेनू के बारे में और अधिक जानना चाहता है। अमल एक पब में कार्तिका के माध्यम से रेनू को सचिन के क्रश के बारे में संकेत देने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे यह कहते हुए गोली मार देती है कि रेनू किसी परिपक्व और निपुण व्यक्ति की तलाश में है, न कि सचिन जैसे किसी व्यक्ति की जिसके पास कल के लिए भी कोई योजना नहीं है। बहुत खोजबीन के बाद सचिन ने रेनू से अपने प्यार का इजहार करने का फैसला किया, लेकिन वह कहती है कि वह कोई ऐसा व्यक्ति चाहती है कि जो परिपक्व हो और जीवन में सुलझा हुआ हो। सचिन ने निराश होकर हैदराबाद छोड़ने और अपने कॉलेज के दोस्त के साथ चेन्नई जाने का फैसला किया। हालांकि रेनू के मन में भी सचिन के लिए प्रतिभावनाएं विकसित होती हैं, लेकिन वह उनके बारे में अनिश्चित है और वह उसे वापस आने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन उसके कॉल या संदेह का जवाब नहीं देता है। कुछ महीनों के बाद कार्तिका ने सचिन को हैदराबाद में अपनी सगाई की पार्टी में आमंत्रित किया। रेनू उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह आगे बढ़ गया हो और उसे सूचित करता है कि उसका वीजा आवेदन आ गया है और वह अगले दिन हैदराबाद से यूके के लिए रवाना हो रहा है। आदि सचिन और अमल पर आरोप लगाता है और उनसे बातचीत करने की मांग करता है। सचिन और अमल दोनों बहुत नशे में थे। आदि से मिक्की निकलते हुए कहते हैं कि रेनू भी उसे स्वीकार कर देगी। सचिन और अमल को गलत साबित करने के लिए आदि पार्टी में सबके सामने रेनू से पूछता है कि क्या वह उससे प्यार करती है। कुछ इस तरह से मूवी के फैक्ट्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पेरोमोलू मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पेरोमोलू एक 2024 भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे गिरीश रेड्डी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। फिल्म में नसलेन के कपूर और ममिता बैजू मुख्य भूमिका में है। इसमें संगीत प्रताप श्याम मोहन, यम मीनाक्षी, रविंद्रन अखिला, भार्गवन, अल्ताफ सलीम और मैथ्यू थॉमस सहित कई कलाकार ने एक विस्तारित कैमियो भूमिका निभाई है। संगीत विश्री विजय द्वारा तैयार किया गया था, जबकि अजमल साबू और आकाश जोसेफ वर्गीस ने फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला था। पेरुमलु को इसकी कहानी, संगीत, हास्य और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए आलोचकों से प्रशंसा मिलने के बाद 9 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। 3 करोड़ के बजट पर बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और दुनिया भर में 120 करोड़ से अधिक की कमाई की। 5वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई। यह वर्तमान में अब तक की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है और 2024 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। तेलुगु भाषा में डब संस्करण 8 मार्च 2024 को जारी किया जाएगा और तमिल डब संस्करण 15 मार्च 2024 को जारी किया जाएगा। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो कॉलेज के आखिरी दिन सचिन संतोष अंततः अपने सहपाठी अंजलि से अपने प्यार का इजहार करता है, जो उसे अस्वीकार कर देती है। कॉलेज के बाद सचिन ने सभी परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए उच्च अध्ययन के लिए यूके जाने की योजना बनाई, लेकिन उनका वीजा आवेदन खारिज हो गया, जिससे उन्हें 6 महीने बाद आवेदन करने का और मौका मिल गया। इस बीच सचिन लक्ष्यहीन तरीके से अपना जीवन जी रहा है। अपने पिता को उनकी बेखबरी से बेकरी की डिलीवरी से मदद कर रहा है। ऐसे ही एक डिलीवरी पर सचिन अपने पुराने दोस्त अमल डेविस से मिलते हैं और उनकी दोस्ती फिर से शुरू हो जाती है। जबकि सचिन अभी भी इस पर विचार कर रहे हैं कि आगे क्या करना है। अमल ने उनके साथ हैदराबाद में गेट पाठ्यक्रम में शामिल होने का सुझाव दिया, जब तक कि सचिन फिर से वीजा के लिए आवेदन नहीं कर सकते और आवेदन विफल होने पर बैकअप के रूप में थी।
सचिन इस पर सहमत हो गया और अमल के साथ हैदराबाद चला गया। हैदराबाद में 20 साल की लड़की रेनू हाल में ही में एक आईटी कंपनी की विकास टीम में शामिल हुई है, जहां अधिनाम का एक घमंडी आदमी वरिष्ठ डेवलपर है। शामिल होने के बाद रेनू अपने दोस्त कार्तिका और अन्य रूममेट निहारिका के साथ अपना एक अपार्टमेंट में रहने लगती है। आदि को रेनू पर क्रश है, लेकिन वह खुद को उसका बेस्टी बताता है। सचिन और अमन एक शादी में रेनू और उसकी टीम से मिलते हैं, जहां रेनू दूल्हे के मेहमान हैं और रेनू दुल्हन के मेहमान हैं। सचिन को रेनू से प्यार हो गया है। शादी के दौरान उन सभी में दोस्ती हो गई। अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण रेनू और कार्तिक ने सचिन और अमल के साथ हैदराबाद लौटने का फैसला किया। रेनू सचिन के साथ बहुत साज है और उनकी हरकतों को मजाकिया और दोस्तानी मानती है। गेट का क्रश छोड़ने के बाद सचिन को हैदराबाद में रहने के लिए फास्ट फूड रेस्तरां में नौकरी मिल गई और वह रेनू के बारे में और अधिक जानना चाहता है। अमल एक पब में कार्तिका के माध्यम से रेनू को सचिन के क्रश के बारे में संकेत देने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे यह कहते हुए गोली मार देती है कि रेनू किसी परिपक्व और निपुण व्यक्ति की तलाश में है, न कि सचिन जैसे किसी व्यक्ति की जिसके पास कल के लिए भी कोई योजना नहीं है। बहुत खोजबीन के बाद सचिन ने रेनू से अपने प्यार का इजहार करने का फैसला किया, लेकिन वह कहती है कि वह कोई ऐसा व्यक्ति चाहती है कि जो परिपक्व हो और जीवन में सुलझा हुआ हो। सचिन ने निराश होकर हैदराबाद छोड़ने और अपने कॉलेज के दोस्त के साथ चेन्नई जाने का फैसला किया। हालांकि रेनू के मन में भी सचिन के लिए प्रतिभावनाएं विकसित होती हैं, लेकिन वह उनके बारे में अनिश्चित है और वह उसे वापस आने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन उसके कॉल या संदेह का जवाब नहीं देता है। कुछ महीनों के बाद कार्तिका ने सचिन को हैदराबाद में अपनी सगाई की पार्टी में आमंत्रित किया। रेनू उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह आगे बढ़ गया हो और उसे सूचित करता है कि उसका वीजा आवेदन आ गया है और वह अगले दिन हैदराबाद से यूके के लिए रवाना हो रहा है। आदि सचिन और अमल पर आरोप लगाता है और उनसे बातचीत करने की मांग करता है। सचिन और अमल दोनों बहुत नशे में थे। आदि से मिक्की निकलते हुए कहते हैं कि रेनू भी उसे स्वीकार कर देगी। सचिन और अमल को गलत साबित करने के लिए आदि पार्टी में सबके सामने रेनू से पूछता है कि क्या वह उससे प्यार करती है। कुछ इस तरह से मूवी के फैक्ट हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पेरोमोलू मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पेरोमोलू एक 2024 भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे गिरीश रेड्डी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। फिल्म में नसलेन के कपूर और ममिता बैजू मुख्य भूमिका में है। इसमें संगीत प्रताप श्याम मोहन, यम मीनाक्षी, रविंद्रन अखिला, भार्गवन अल्ताफ सलीम और मैथ्यू थॉमस सहित कई कलाकार ने एक विस्तारित कैमियो भूमिका निभाई है। संगीत विष्णु विजय द्वारा तैयार किया गया था, जबकि अजमल साबू और आकाश जोसेफ वर्गीस ने फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला था। पेरुमलु को इसकी कहानी, संगीत, हास्य और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए आलोचकों से प्रशंसा मिलने के बाद 9 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। 3 करोड़ के बजट पर बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और दुनिया भर में 120 करोड़ से अधिक की कमाई की। 5वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली 5वीं मलयालम फिल्म बन गई। यह वर्तमान में अब तक की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है और 2024 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। तेलुगु भाषा में डब संस्करण 8 मार्च 2024 को जारी किया जाएगा और तमिल डब संस्करण 15 मार्च 2024 को जारी किया जाएगा। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो कॉलेज के आखिरी दिन सचिन संतोष अंततः अपने सहपाठी अंजलि से अपने प्यार का इजहार करता है, जो उसे अस्वीकार कर देती है। कॉलेज के बाद सचिन ने सभी परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए उच्च अध्ययन के लिए यूके जाने की योजना बनाई, लेकिन उनका वीजा आवेदन खारिज हो गया, जिससे उन्हें 6 महीने बाद आवेदन करने का और मौका मिल गया। इस बीच सचिन लक्ष्यहीन तरीके से अपना जीवन जी रहा है। अपने पिता को उनकी बेखबरी से बेकरी की डिलीवरी से मदद कर रहा है। ऐसे ही एक डिलीवरी पर सचिन अपने पुराने दोस्त अमल डेविस से मिलते हैं
और उनकी दोस्ती फिर से शुरू हो जाती है। जबकि सचिन अभी भी इस पर विचार कर रहे हैं कि आगे क्या करना है। अमल ने उनके साथ हैदराबाद में गेट पाठ्यक्रम में शामिल होने का सुझाव दिया, जब तक कि सचिन फिर से वीजा के लिए आवेदन नहीं कर सकते और आवेदन विफल होने पर बैकअप के रूप में थी। सचिन इस पर सहमत हो गया और अमल के साथ हैदराबाद चला गया। हैदराबाद में 20 साल की लड़की रेनू हाल में ही में एक आईटी कंपनी की विकास टीम में शामिल हुई है, जहां अधिनाम का एक घमंडी आदमी वरिष्ठ डेवलपर है। शामिल होने के बाद रेनू अपने दोस्त कार्तिका और अन्य रूममेट निहारिका के साथ अपना एक अपार्टमेंट में रहने लगती है। आदि को रेनू पर क्रश है, लेकिन वह खुद को उसका बेस्टी बताता है। सचिन और अमन एक शादी में रेनू और उसकी टीम से मिलते हैं, जहां रेनू दूल्हे के मेहमान हैं और रेनू दुल्हन के मेहमान हैं। सचिन को रेनू से प्यार हो गया है। शादी के दौरान उन सभी में दोस्ती हो गई। अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण रेनू और कार्तिक ने सचिन और अमल के साथ हैदराबाद लौटने का फैसला किया। रेनू सचिन के साथ बहुत साज है और उनकी हरकतों को मजाकिया और दोस्तानी मानती है। गेट का क्रश छोड़ने के बाद सचिन को हैदराबाद में रहने के लिए फास्ट फूड रेस्तरां में नौकरी मिल गई और वह रेनू के बारे में और अधिक जानना चाहता है। अमल एक पब में कार्तिका के माध्यम से रेनू को सचिन के क्रश के बारे में संकेत देने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे यह कहते हुए गोली मार देती है कि रेनू किसी परिपक्व और निपुण व्यक्ति की तलाश में है, न कि सचिन जैसे किसी व्यक्ति की जिसके पास कल के लिए भी कोई योजना नहीं है। बहुत खोजबीन के बाद सचिन ने रेनू से अपने प्यार का इजहार करने का फैसला किया, लेकिन वह कहती है कि वह कोई ऐसा व्यक्ति चाहती है कि जो परिपक्व हो और जीवन में सुलझा हुआ हो। सचिन ने निराश होकर हैदराबाद छोड़ने और अपने कॉलेज के दोस्त के साथ चेन्नई जाने का फैसला किया। हालांकि रेनू के मन में भी सचिन के लिए प्रतिभावनाएं विकसित होती हैं, लेकिन वह उनके बारे में अनिश्चित है और वह उसे वापस आने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन उसके कॉल या संदेह का जवाब नहीं देता है। कुछ महीनों के बाद कार्तिका ने सचिन को हैदराबाद में अपनी सगाई की पार्टी में आमंत्रित किया। रेनू उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह आगे बढ़ गया हो और उसे सूचित करता है कि उसका वीजा आवेदन आ गया है और वह अगले दिन हैदराबाद से यूके के लिए रवाना हो रहा है। आदि सचिन और अमल पर आरोप लगाता है और उनसे बातचीत करने की मांग करता है। सचिन और अमल दोनों बहुत नशे में थे। आदि से मिक्की निकलते हुए कहते हैं कि रेनू भी उसे स्वीकार कर देगी। सचिन और अमल को गलत साबित करने के लिए आदि पार्टी में सबके सामने रेनू से पूछता है कि क्या वह उससे प्यार करती है। कुछ इस तरह से मूवी के फैक्ट्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पेरोमोलू मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फाइट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पेरोमोलू एक 2024 भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे गिरीश रेड्डी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। फिल्म में नसलेन के कपूर और ममिता बैजू मुख्य भूमिका में है। इसमें संगीत प्रताप श्याम मोहन, यम मीनाक्षी, रविंद्रन अखिला, भार्गवन, अल्ताफ सलीम और मैथ्यू थॉमस सहित कई कलाकार ने एक विस्तारित कैमियो भूमिका निभाई है। संगीत विष्णु विजय द्वारा तैयार किया गया था, जबकि अजमल साबू और आकाश जोसेफ वर्गीस ने फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला था। पेरुमलु को इसकी कहानी, संगीत, हास्य और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए आलोचकों से प्रशंसा मिलने के बाद 9 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। 3 करोड़ के बजट पर बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और दुनिया भर में 120 करोड़ से अधिक की कमाई की। 5वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली 5वीं मलयालम फिल्म बन गई। यह वर्तमान में अब तक की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है और 2024 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। तेलुगु भाषा में डब संस्करण 8 मार्च 2024 को जारी किया जाएगा और तमिल डब संस्करण 15 मार्च 2024 को जारी किया जाएगा। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो कॉलेज के आखिरी दिन सचिन संतोष अंततः अपने सहपाठी अंजलि से अपने प्यार का इजहार करता है, जो उसे अस्वीकार कर देती है। कॉलेज के बाद सचिन ने सभी परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए उच्च अध्ययन के लिए यूके जाने की योजना बनाई, लेकिन उनका वीजा आवेदन खारिज हो गया, जिससे उन्हें 6 महीने बाद आवेदन करने का और मौका मिल गया। इस बीच सचिन लक्ष्यहीन तरीके से अपना जीवन जी रहा है। अपने पिता को उनकी बेखबरी से बेकरी की डिलीवरी से मदद कर रहा है।
ऐसे ही एक डिलीवरी पर सचिन अपने पुराने दोस्त अमल डेविस से मिलते हैं और उनकी दोस्ती फिर से शुरू हो जाती है। जबकि सचिन अभी भी इस पर विचार कर रहे हैं कि आगे क्या करना है। अमल ने उनके साथ हैदराबाद में गेट पाठ्यक्रम में शामिल होने का सुझाव दिया, जब तक कि सचिन फिर से वीजा के लिए आवेदन नहीं कर सकते और आवेदन विफल होने पर बैकअप के रूप में थी। सचिन इस पर सहमत हो गया और अमल के साथ हैदराबाद चला गया। हैदराबाद में 20 साल की लड़की रेनू हाल में ही में एक आईटी कंपनी की विकास टीम में शामिल हुई है, जहां अधिनाम का एक घमंडी आदमी वरिष्ठ डेवलपर है। शामिल होने के बाद रेनू अपने दोस्त कार्तिका और अन्य रूममेट निहारिका के साथ अपना एक अपार्टमेंट में रहने लगती है। आदि को रेनू पर क्रश है, लेकिन वह खुद को उसका बेस्टी बताता है। सचिन और अमन एक शादी में रेनू और उसकी टीम से मिलते हैं, जहां रेनू दूल्हे के मेहमान हैं और रेनू दुल्हन के मेहमान हैं। सचिन को रेनू से प्यार हो गया है। शादी के दौरान उन सभी में दोस्ती हो गई। अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण रेनू और कार्तिक ने सचिन और अमल के साथ हैदराबाद लौटने का फैसला किया। रेनू सचिन के साथ बहुत साज है और उनकी हरकतों को मजाकिया और दोस्तानी मानती है। गेट का क्रश छोड़ने के बाद सचिन को हैदराबाद में रहने के लिए फास्ट फूड रेस्तरां में नौकरी मिल गई और वह रेनू के बारे में और अधिक जानना चाहता है। अमल एक पब में कार्तिका के माध्यम से रेनू को सचिन के क्रश के बारे में संकेत देने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे यह कहते हुए गोली मार देती है कि रेनू किसी परिपक्व और निपुण व्यक्ति की तलाश में है, न कि सचिन जैसे किसी व्यक्ति की जिसके पास कल के लिए भी कोई योजना नहीं है। बहुत खोजबीन के बाद सचिन ने रेनू से अपने प्यार का इजहार करने का फैसला किया, लेकिन वह कहती है कि वह कोई ऐसा व्यक्ति चाहती है कि जो परिपक्व हो और जीवन में सुलझा हुआ हो। सचिन ने निराश होकर हैदराबाद छोड़ने और अपने कॉलेज के दोस्त के साथ चेन्नई जाने का फैसला किया। हालांकि रेनू के मन में भी सचिन के लिए प्रतिभावनाएं विकसित होती हैं, लेकिन वह उनके बारे में अनिश्चित है और वह उसे वापस आने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन उसके कॉल या संदेह का जवाब नहीं देता है। कुछ महीनों के बाद कार्तिका ने सचिन को हैदराबाद में अपनी सगाई की पार्टी में आमंत्रित किया। रेनू उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह आगे बढ़ गया हो और उसे सूचित करता है कि उसका वीजा आवेदन आ गया है और वह अगले दिन हैदराबाद से यूके के लिए रवाना हो रहा है। आदि सचिन और अमल पर आरोप लगाता है और उनसे बातचीत करने की मांग करता है। सचिन और अमल दोनों बहुत नशे में थे। आदि से मिक्की निकलते हुए कहते हैं कि रेनू भी उसे स्वीकार कर देगी। सचिन और अमल को गलत साबित करने के लिए आदि पार्टी में सबके सामने रेनू से पूछता है कि क्या वह उससे प्यार करती है। कुछ इस तरह से मूवी के फैक्ट्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पेरोमोलू मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पेरोमोलू एक 2024 भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे गिरीश रेड्डी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। फिल्म में नसलेन के कपूर और ममिता बैजू मुख्य भूमिका में है। इसमें संगीत प्रताप श्याम मोहन, यम मीनाक्षी, रविंद्रन अखिला, भार्गवन, अल्ताफ सलीम और मैथ्यू थॉमस सहित कई कलाकार ने एक विस्तारित कैमियो भूमिका निभाई है। संगीत विश्री विजय द्वारा तैयार किया गया था, जबकि अजमल साबू और आकाश जोसेफ वर्गीस ने फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला था। पेरुमलु को इसकी कहानी, संगीत, हास्य और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए आलोचकों से प्रशंसा मिलने के बाद 9 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। 3 करोड़ के बजट पर बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और दुनिया भर में 120 करोड़ से अधिक की कमाई की। 5वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई। यह वर्तमान में अब तक की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है और 2024 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। तेलुगु भाषा में डब संस्करण 8 मार्च 2024 को जारी किया जाएगा और तमिल डब संस्करण 15 मार्च 2024 को जारी किया जाएगा। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो कॉलेज के आखिरी दिन सचिन संतोष अंततः अपने सहपाठी अंजलि से अपने प्यार का इजहार करता है, जो उसे अस्वीकार कर देती है। कॉलेज के बाद सचिन ने सभी परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए उच्च अध्ययन के लिए यूके जाने की योजना बनाई, लेकिन उनका वीजा आवेदन खारिज हो गया, जिससे उन्हें 6 महीने बाद आवेदन करने का और मौका मिल गया। इस बीच सचिन लक्ष्यहीन तरीके से अपना जीवन जी रहा है। अपने पिता को उनकी
बेखबरी से बेकरी की डिलीवरी से मदद कर रहा है। ऐसे ही एक डिलीवरी पर सचिन अपने पुराने दोस्त अमल डेविस से मिलते हैं और उनकी दोस्ती फिर से शुरू हो जाती है। जबकि सचिन अभी भी इस पर विचार कर रहे हैं कि आगे क्या करना है। अमल ने उनके साथ हैदराबाद में गेट पाठ्यक्रम में शामिल होने का सुझाव दिया, जब तक कि सचिन फिर से वीजा के लिए आवेदन नहीं कर सकते और आवेदन विफल होने पर बैकअप के रूप में थी। सचिन इस पर सहमत हो गया और अमल के साथ हैदराबाद चला गया। हैदराबाद में 20 साल की लड़की रेनू हाल में ही में एक आईटी कंपनी की विकास टीम में शामिल हुई है, जहां अधिनाम का एक घमंडी आदमी वरिष्ठ डेवलपर है। शामिल होने के बाद रेनू अपनी दोस्त कार्तिका और अन्य रूममेट निहारिका के साथ अपना एक अपार्टमेंट में रहने लगती है। आदि को रेनू पर क्रश है, लेकिन वह खुद को उसका बेस्टी बताता है। सचिन और अमन एक शादी में रेनू और उसकी टीम से मिलते हैं, जहां रेनू दूल्हे के मेहमान हैं और रेनू दुल्हन के मेहमान हैं। सचिन को रेनू से प्यार हो गया है। शादी के दौरान उन सभी में दोस्ती हो गई। अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण रेनू और कार्तिक ने सचिन और अमल के साथ हैदराबाद लौटने का फैसला किया। रेनू सचिन के साथ बहुत साज है और उनकी हरकतों को मजाकिया और दोस्तानी मानती है। गेट का क्रश छोड़ने के बाद सचिन को हैदराबाद में रहने के लिए फास्ट फूड रेस्तरां में नौकरी मिल गई और वह रेनू के बारे में और अधिक जानना चाहता है। अमल एक पब में कार्तिका के माध्यम से रेनू को सचिन के क्रश के बारे में संकेत देने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे यह कहते हुए गोली मार देती है कि रेनू किसी परिपक्व और निपुण व्यक्ति की तलाश में है, न कि सचिन जैसे किसी व्यक्ति की जिसके पास कल के लिए भी कोई योजना नहीं है। बहुत खोजबीन के बाद सचिन ने रेनू से अपने प्यार का इजहार करने का फैसला किया, लेकिन वह कहती है कि वह कोई ऐसा व्यक्ति चाहती है कि जो परिपक्व हो और जीवन में सुलझा हुआ हो। सचिन ने निराश होकर हैदराबाद छोड़ने और अपने कॉलेज के दोस्त के साथ चेन्नई जाने का फैसला किया। हालांकि रेनू के मन में भी सचिन के लिए प्रतिभावनाएं विकसित होती हैं, लेकिन वह उनके बारे में अनिश्चित है और वह उसे वापस आने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन उसके कॉल या संदेह का जवाब नहीं देता है। कुछ महीनों के बाद कार्तिका ने सचिन को हैदराबाद में अपनी सगाई की पार्टी में आमंत्रित किया। रेनू उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह आगे बढ़ गया हो और उसे सूचित करता है कि उसका वीजा आवेदन आ गया है और वह अगले दिन हैदराबाद से यूके के लिए रवाना हो रहा है। आदि सचिन और अमल पर आरोप लगाता है और उनसे बातचीत करने की मांग करता है। सचिन और अमल दोनों बहुत नशे में थे। आदि से मिक्की निकलते हुए कहते हैं कि रेनू भी उसे स्वीकार कर देगी। सचिन और अमल को गलत साबित करने के लिए आदि पार्टी में सबके सामने रेनू से पूछता है कि क्या वह उससे प्यार करती है। कुछ इस तरह से मूवी के फैक्ट्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फेरोमोलू मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फाइट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फेरोमोलू एक 2024 भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे गिरीश रेड्डी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। फिल्म में नसलेन के कपूर और ममिता बैजू मुख्य भूमिका में है। इसमें संगीत प्रताप श्याम मोहन, यम मीनाक्षी, रविंद्रन अखिला, भार्गवन, अल्ताफ सलीम और मैथ्यू थॉमस सहित कई कलाकार ने एक विस्तारित कैमियो भूमिका निभाई है। संगीत विश्री विजय द्वारा तैयार किया गया था, जबकि अजमल साबू और आकाश जोसेफ वर्गीस ने फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला था। फेरोमोलू को इसकी कहानी, संगीत, हास्य और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए आलोचकों से प्रशंसा मिलने के बाद 9 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। 3 करोड़ के बजट पर बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और दुनिया भर में 120 करोड़ से अधिक की कमाई की। 5वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई। यह वर्तमान में अब तक की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है और 2024 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। तेलुगु भाषा में डब संस्करण 8 मार्च 2024 को जारी किया जाएगा और तमिल डब संस्करण 15 मार्च 2024 को जारी किया जाएगा। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो कॉलेज के आखिरी दिन सचिन संतोष अंततः अपने सहपाठी अंजलि से अपने प्यार का इजहार करता है, जो उसे अस्वीकार कर देती है। कॉलेज के बाद सचिन ने सभी परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए उच्च अध्ययन के लिए यूके जाने की योजना बनाई, लेकिन उनका वीजा आवेदन खारिज हो गया, जिससे उन्हें 6 महीने बाद आवेदन करने का और मौका मिल गया।
इस बीच सचिन लक्ष्यहीन तरीके से अपना जीवन जी रहा है। अपने पिता को उनकी बेखबरी से बेकरी की डिलीवरी से मदद कर रहा है। ऐसे ही एक डिलीवरी पर सचिन अपने पुराने दोस्त अमल डेविस से मिलते हैं और उनकी दोस्ती फिर से शुरू हो जाती है। जबकि सचिन अभी भी इस पर विचार कर रहे हैं कि आगे क्या करना है। अमल ने उनके साथ हैदराबाद में गेट पाठ्यक्रम में शामिल होने का सुझाव दिया, जब तक कि सचिन फिर से वीजा के लिए आवेदन नहीं कर सकते और आवेदन विफल होने पर बैकअप के रूप में थी। सचिन इस पर सहमत हो गया और अमल के साथ हैदराबाद चला गया। हैदराबाद में 20 साल की लड़की रेनू हाल में ही में एक आईटी कंपनी की विकास टीम में शामिल हुई है, जहां अधिनाम का एक घमंडी आदमी वरिष्ठ डेवलपर है। शामिल होने के बाद रेनू अपने दोस्त कार्तिका और अन्य रूममेट निहारिका के साथ अपना एक अपार्टमेंट में रहने लगती है। आदि को रेनू पर क्रश है, लेकिन वह खुद को उसका बेस्टी बताता है। सचिन और अमन एक शादी में रेनू और उसकी टीम से मिलते हैं, जहां रेनू दूल्हे के मेहमान हैं और रेनू दुल्हन के मेहमान हैं। सचिन को रेनू से प्यार हो गया है। शादी के दौरान उन सभी में दोस्ती हो गई। अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण रेनू और कार्तिक ने सचिन और अमल के साथ हैदराबाद लौटने का फैसला किया। रेनू सचिन के साथ बहुत साज है और उनकी हरकतों को मजाकिया और दोस्तानी मानती है। गेट का क्रश छोड़ने के बाद सचिन को हैदराबाद में रहने के लिए फास्ट फूड रेस्तरां में नौकरी मिल गई और वह रेनू के बारे में और अधिक जानना चाहता है। अमल एक पब में कार्तिका के माध्यम से रेनू को सचिन के क्रश के बारे में संकेत देने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे यह कहते हुए गोली मार देती है कि रेनू किसी परिपक्व और निपुण व्यक्ति की तलाश में है, न कि सचिन जैसे किसी व्यक्ति की जिसके पास कल के लिए भी कोई योजना नहीं है। बहुत खोजबीन के बाद सचिन ने रेनू से अपने प्यार का इजहार करने का फैसला किया, लेकिन वह कहती है कि वह कोई ऐसा व्यक्ति चाहती है कि जो परिपक्व हो और जीवन में सुलझा हुआ हो। सचिन ने निराश होकर हैदराबाद छोड़ने और अपने कॉलेज के दोस्त के साथ चेन्नई जाने का फैसला किया। हालांकि रेनू के मन में भी सचिन के लिए प्रतिभावनाएं विकसित होती हैं, लेकिन वह उनके बारे में अनिश्चित है और वह उसे वापस आने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन उसके कॉल या संदेह का जवाब नहीं देता है। कुछ महीनों के बाद कार्तिका ने सचिन को हैदराबाद में अपनी सगाई की पार्टी में आमंत्रित किया। रेनू उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह आगे बढ़ गया हो और उसे सूचित करता है कि उसका वीजा आवेदन आ गया है और वह अगले दिन हैदराबाद से यूके के लिए रवाना हो रहा है। आदि सचिन और अमल पर आरोप लगाता है और उनसे बातचीत करने की मांग करता है। सचिन और अमल दोनों बहुत नशे में थे। आदि से मिक्की निकलते हुए कहते हैं कि रेनू भी उसे स्वीकार कर देगी। सचिन और अमल को गलत साबित करने के लिए आदि पार्टी में सबके सामने रेनू से पूछता है कि क्या वह उससे प्यार करती है। कुछ इस तरह से मूवी के फैक्ट्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पेरोमोलू मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फाइट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पेरोमोलू एक 2024 भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे गिरीश रेड्डी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। फिल्म में नसलेन के कपूर और ममिता बैजू मुख्य भूमिका में है। इसमें संगीत प्रताप श्याम मोहन, यम मीनाक्षी, रविंद्रन अखिला, भार्गवन, अल्ताफ सलीम और मैथ्यू थॉमस सहित कई कलाकार ने एक विस्तारित कैमियो भूमिका निभाई है। संगीत विश्री विजय द्वारा तैयार किया गया था, जबकि अजमल साबू और आकाश जोसेफ वर्गीस ने फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला था। पेरुमलु को इसकी कहानी, संगीत, हास्य और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए आलोचकों से प्रशंसा मिलने के बाद 9 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। 3 करोड़ के बजट पर बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और दुनिया भर में 120 करोड़ से अधिक की कमाई की। 5वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई। यह वर्तमान में अब तक की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है और 2024 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। तेलुगु भाषा में डब संस्करण 8 मार्च 2024 को जारी किया जाएगा और तमिल डब संस्करण 15 मार्च 2024 को जारी किया जाएगा। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो कॉलेज के आखिरी दिन सचिन संतोष अंततः अपने सहपाठी अंजलि से अपने प्यार का इजहार करता है, जो उसे अस्वीकार कर देती है। कॉलेज के बाद सचिन ने सभी परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए उच्च अध्ययन के लिए यूके जाने की योजना बनाई,
लेकिन उनका वीजा आवेदन खारिज हो गया, जिससे उन्हें 6 महीने बाद आवेदन करने का और मौका मिल गया। इस बीच सचिन लक्ष्यहीन तरीके से अपना जीवन जी रहा है। अपने पिता को उनकी बेखबरी से बेकरी की डिलीवरी से मदद कर रहा है। ऐसे ही एक डिलीवरी पर सचिन अपने पुराने दोस्त अमल डेविस से मिलते हैं और उनकी दोस्ती फिर से शुरू हो जाती है। जबकि सचिन अभी भी इस पर विचार कर रहे हैं कि आगे क्या करना है। अमल ने उनके साथ हैदराबाद में गेट पाठ्यक्रम में शामिल होने का सुझाव दिया। जब तक कि सचिन फिर से वीजा के लिए आवेदन नहीं कर सकते और आवेदन विफल होने पर बैकअप के रूप में थी, सचिन इस पर सहमत हो गया और अमल के साथ हैदराबाद चला गया। हैदराबाद में 20 साल की लड़की रेनू हाल में ही में एक आईटी कंपनी की विकास टीम में शामिल हुई है, जहां अधिनाम का एक घमंडी आदमी वरिष्ठ डेवलपर है। शामिल होने के बाद रेनू अपने दोस्त कार्तिका और अन्य रूममेट निहारिका के साथ अपना एक अपार्टमेंट में रहने लगती है। आदि को रेनू पर क्रश है, लेकिन वह खुद को उसका बेस्टी बताता है। सचिन और अमन एक शादी में रेनू और उसकी टीम से मिलते हैं, जहां रेनू दूल्हे के मेहमान हैं और रेनू दुल्हन के मेहमान हैं। सचिन को रेनू से प्यार हो गया है। शादी के दौरान उन सभी में दोस्ती हो गई। अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण रेनू और कार्तिक ने सचिन और अमल के साथ हैदराबाद लौटने का फैसला किया। रेनू सचिन के साथ बहुत साज है और उनकी हरकतों को मजाकिया और दोस्तानी मानती है। गेट का क्रश छोड़ने के बाद सचिन को हैदराबाद में रहने के लिए फास्ट फूड रेस्तरां में नौकरी मिल गई और वह रेनू के बारे में और अधिक जानना चाहता है। अमल एक पब में कार्तिका के माध्यम से रेनू को सचिन के क्रश के बारे में संकेत देने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे यह कहते हुए गोली मार देती है कि रेनू किसी परिपक्व और निपुण व्यक्ति की तलाश में है, न कि सचिन जैसे किसी व्यक्ति की जिसके पास कल के लिए भी कोई योजना नहीं है। बहुत खोजबीन के बाद सचिन ने रेनू से अपने प्यार का इजहार करने का फैसला किया, लेकिन वह कहती है कि वह कोई ऐसा व्यक्ति चाहती है कि जो परिपक्व हो और जीवन में सुलझा हुआ हो। सचिन ने निराश होकर हैदराबाद छोड़ने और अपने कॉलेज के दोस्त के साथ चेन्नई जाने का फैसला किया। हालांकि रेनू के मन में भी सचिन के लिए प्रतिभावनाएं विकसित होती हैं, लेकिन वह उनके बारे में अनिश्चित है और वह उसे वापस आने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन उसके कॉल या संदेह का जवाब नहीं देता है। कुछ महीनों के बाद कार्तिका ने सचिन को हैदराबाद में अपनी सगाई की पार्टी में आमंत्रित किया। रेनू उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह आगे बढ़ गया हो और उसे सूचित करता है कि उसका वीजा आवेदन आ गया है और वह अगले दिन हैदराबाद से यूके के लिए रवाना हो रहा है। आदि सचिन और अमल पर आरोप लगाता है और उनसे बातचीत करने की मांग करता है। सचिन और अमल दोनों बहुत नशे में थे। आदि से मिक्की निकलते हुए कहते हैं कि रेनू भी उसे स्वीकार कर देगी। सचिन और अमल को गलत साबित करने के लिए आदि पार्टी में सबके सामने रेनू से पूछता है कि क्या वह उससे प्यार करती है। कुछ इस तरह से मूवी के फैक्ट्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पेरोमोलू मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फाइट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पेरोमोलू एक 2024 भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे गिरीश रेड्डी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। फिल्म में नसलेन के कपूर और ममिता बैजू मुख्य भूमिका में है। इसमें संगीत प्रताप श्याम मोहन, यम मीनाक्षी, रविंद्रन अखिला, भार्गवन, अल्ताफ सलीम और मैथ्यू थॉमस सहित कई कलाकार ने एक विस्तारित कैमियो भूमिका निभाई है। संगीत विष्णु विजय द्वारा तैयार किया गया था, जबकि अजमल साबू और आकाश जोसेफ वर्गीस ने फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला था। पेरुमलु को इसकी कहानी, संगीत, हास्य और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए आलोचकों से प्रशंसा मिलने के बाद 9 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। 3 करोड़ के बजट पर बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और दुनिया भर में 120 करोड़ से अधिक की कमाई की। 5वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई। यह वर्तमान में अब तक की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है और 2024 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। तेलुगु भाषा में डब संस्करण 8 मार्च 2024 को जारी किया जाएगा और तमिल डब संस्करण 15 मार्च 2024 को जारी किया जाएगा। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो
कॉलेज के आखिरी दिन सचिन संतोष अंततः अपने सहपाठी अंजलि से अपने प्यार का इजहार करता है, जो उसे अस्वीकार कर देती है। कॉलेज के बाद सचिन ने सभी परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए उच्च अध्ययन के लिए यूके जाने की योजना बनाई, लेकिन उनका वीजा आवेदन खारिज हो गया, जिससे उन्हें 6 महीने बाद आवेदन करने का और मौका मिल गया। इस बीच सचिन लक्ष्यहीन तरीके से अपना जीवन जी रहा है। अपने पिता को उनकी बेखबरी से बेकरी की डिलीवरी से मदद कर रहा है। ऐसे ही एक डिलीवरी पर सचिन अपने पुराने दोस्त अमल डेविस से मिलते हैं और उनकी दोस्ती फिर से शुरू हो जाती है। जबकि सचिन अभी भी इस पर विचार कर रहे हैं कि आगे क्या करना है। अमल ने उनके साथ हैदराबाद में गेट पाठ्यक्रम में शामिल होने का सुझाव दिया, जब तक कि सचिन फिर से वीजा के लिए आवेदन नहीं कर सकते और आवेदन विफल होने पर बैकअप के रूप में थी। सचिन इस पर सहमत हो गया और अमल के साथ हैदराबाद चला गया। हैदराबाद में 20 साल की लड़की रेनू हाल में ही में एक आईटी कंपनी की विकास टीम में शामिल हुई है, जहां अधिनाम का एक घमंडी आदमी वरिष्ठ डेवलपर है। शामिल होने के बाद रेनू अपने दोस्त कार्तिका और अन्य रूममेट निहारिका के साथ अपना एक अपार्टमेंट में रहने लगती है। आदि को रेनू पर क्रश है, लेकिन वह खुद को उसका बेस्टी बताता है। सचिन और अमन एक शादी में रेनू और उसकी टीम से मिलते हैं, जहां रेनू दूल्हे के मेहमान हैं और रेनू दुल्हन के मेहमान हैं। सचिन को रेनू से प्यार हो गया है। शादी के दौरान उन सभी में दोस्ती हो गई। अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण रेनू और कार्तिक ने सचिन और अमल के साथ हैदराबाद लौटने का फैसला किया। रेनू सचिन के साथ बहुत साज है और उनकी हरकतों को मजाकिया और दोस्तानी मानती है। गेट का क्रश छोड़ने के बाद सचिन को हैदराबाद में रहने के लिए फास्ट फूड रेस्तरां में नौकरी मिल गई और वह रेनू के बारे में और अधिक जानना चाहता है। अमल एक पब में कार्तिका के माध्यम से रेनू को सचिन के क्रश के बारे में संकेत देने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे यह कहते हुए गोली मार देती है कि रेनू किसी परिपक्व और निपुण व्यक्ति की तलाश में है, न कि सचिन जैसे किसी व्यक्ति की जिसके पास कल के लिए भी कोई योजना नहीं है। बहुत खोजबीन के बाद सचिन ने रेनू से अपने प्यार का इजहार करने का फैसला किया, लेकिन वह कहती है कि वह कोई ऐसा व्यक्ति चाहती है कि जो परिपक्व हो और जीवन में सुलझा हुआ हो। सचिन ने निराश होकर हैदराबाद छोड़ने और अपने कॉलेज के दोस्त के साथ चेन्नई जाने का फैसला किया। हालांकि रेनू के मन में भी सचिन के लिए प्रतिभावनाएं विकसित होती हैं, लेकिन वह उनके बारे में अनिश्चित है और वह उसे वापस आने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन उसके कॉल या संदेह का जवाब नहीं देता है। कुछ महीनों के बाद कार्तिका ने सचिन को हैदराबाद में अपनी सगाई की पार्टी में आमंत्रित किया। रेनू उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह आगे बढ़ गया हो और उसे सूचित करता है कि उसका वीजा आवेदन आ गया है और वह अगले दिन हैदराबाद से यूके के लिए रवाना हो रहा है। आदि सचिन और अमल पर आरोप लगाता है और उनसे बातचीत करने की मांग करता है। सचिन और अमल दोनों बहुत नशे में थे। आदि से मिक्की निकलते हुए कहते हैं कि रेनू भी उसे स्वीकार कर देगी। सचिन और अमल को गलत साबित करने के लिए आदि पार्टी में सबके सामने रेनू से पूछता है कि क्या वह उससे प्यार करती है। कुछ इस तरह से मूवी के फैक्ट्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फेरोमोलू मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फेरोमोलू एक 2024 भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे गिरीश रेड्डी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। फिल्म में नसलेन के कपूर और ममिता बैजू मुख्य भूमिका में है। इसमें संगीत प्रताप श्याम मोहन, यम मीनाक्षी, रविंद्रन अखिला, भार्गवन, अल्ताफ सलीम और मैथ्यू थॉमस सहित कई कलाकार ने एक विस्तारित कैमियो भूमिका निभाई है। संगीत विश्री विजय द्वारा तैयार किया गया था, जबकि अजमल साबू और आकाश जोसेफ वर्गीस ने फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला था। फेरोमोलू को इसकी कहानी, संगीत, हास्य और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए आलोचकों से प्रशंसा मिलने के बाद 9 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। 3 करोड़ के बजट पर बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और दुनिया भर में 120 करोड़ से अधिक की कमाई की। 5वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई। यह वर्तमान में अब तक की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है और 2024 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। तेलुगु भाषा में डब संस्करण 8 मार्च 2024 को जारी किया जाएगा।
और तमिल डब संस्करण 15 मार्च 2024 को जारी किया जाएगा। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो कॉलेज के आखिरी दिन सचिन संतोष अंततः अपने सहपाठी अंजलि से अपने प्यार का इजहार करता है, जो उसे अस्वीकार कर देती है। कॉलेज के बाद सचिन ने सभी परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए उच्च अध्ययन के लिए यूके जाने की योजना बनाई, लेकिन उनका वीजा आवेदन खारिज हो गया, जिससे उन्हें 6 महीने बाद आवेदन करने का और मौका मिल गया। इस बीच सचिन लक्ष्यहीन तरीके से अपना जीवन जी रहा है। अपने पिता को उनकी बेखबरी से बेकरी की डिलीवरी से मदद कर रहा है। ऐसे ही एक डिलीवरी पर सचिन अपने पुराने दोस्त अमल डेविस से मिलते हैं और उनकी दोस्ती फिर से शुरू हो जाती है। जबकि सचिन अभी भी इस पर विचार कर रहे हैं कि आगे क्या करना है। अमल ने उनके साथ हैदराबाद में गेट पाठ्यक्रम में शामिल होने का सुझाव दिया, जब तक कि सचिन फिर से वीजा के लिए आवेदन नहीं कर सकते और आवेदन विफल होने पर बैकअप के रूप में थी। सचिन इस पर सहमत हो गया और अमल के साथ हैदराबाद चला गया। हैदराबाद में 20 साल की लड़की रेनू हाल में ही में एक आईटी कंपनी की विकास टीम में शामिल हुई है, जहां अधिनाम का एक घमंडी आदमी वरिष्ठ डेवलपर है। शामिल होने के बाद रेनू अपने दोस्त कार्तिका और अन्य रूममेट निहारिका के साथ अपना एक अपार्टमेंट में रहने लगती है। आदि को रेनू पर क्रश है, लेकिन वह खुद को उसका बेस्टी बताता है। सचिन और अमन एक शादी में रेनू और उसकी टीम से मिलते हैं, जहां रेनू दूल्हे के मेहमान हैं और रेनू दुल्हन के मेहमान हैं। सचिन को रेनू से प्यार हो गया है। शादी के दौरान उन सभी में दोस्ती हो गई। अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण रेनू और कार्तिक ने सचिन और अमल के साथ हैदराबाद लौटने का फैसला किया। रेनू सचिन के साथ बहुत साज है और उनकी हरकतों को मजाकिया और दोस्तानी मानती है। गेट का क्रश छोड़ने के बाद सचिन को हैदराबाद में रहने के लिए फास्ट फूड रेस्तरां में नौकरी मिल गई और वह रेनू के बारे में और अधिक जानना चाहता है। अमल एक पब में कार्तिका के माध्यम से रेनू को सचिन के क्रश के बारे में संकेत देने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे यह कहते हुए गोली मार देती है कि रेनू किसी परिपक्व और निपुण व्यक्ति की तलाश में है, न कि सचिन जैसे किसी व्यक्ति की जिसके पास कल के लिए भी कोई योजना नहीं है। बहुत खोजबीन के बाद सचिन ने रेनू से अपने प्यार का इजहार करने का फैसला किया, लेकिन वह कहती है कि वह कोई ऐसा व्यक्ति चाहती है कि जो परिपक्व हो और जीवन में सुलझा हुआ हो। सचिन ने निराश होकर हैदराबाद छोड़ने और अपने कॉलेज के दोस्त के साथ चेन्नई जाने का फैसला किया। हालांकि रेनू के मन में भी सचिन के लिए प्रतिभावनाएं विकसित होती हैं, लेकिन वह उनके बारे में अनिश्चित है और वह उसे वापस आने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन उसके काल या संदेह का जवाब नहीं देता है। कुछ महीनों के बाद कार्तिका ने सचिन को हैदराबाद में अपनी सगाई की पार्टी में आमंत्रित किया। रेनू उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह आगे बढ़ गया हो और उसे सूचित करता है कि उसका वीजा आवेदन आ गया है और वह अगले दिन हैदराबाद से यूके के लिए रवाना हो रहा है। आदि सचिन और अमल पर आरोप लगाता है और उनसे बातचीत करने की मांग करता है। सचिन और अमल दोनों बहुत नशे में थे। आदि से मिक्की निकलते हुए कहते हैं कि रेनू भी उसे स्वीकार कर देगी। सचिन और अमल को गलत साबित करने के लिए आदि पार्टी में सबके सामने रेनू से पूछता है कि क्या वह उससे प्यार करती है। कुछ इस तरह से मूवी के फैक्ट्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पेरोमोलू मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फाइट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पेरोमोलू एक 2024 भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे गिरीश रेड्डी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। फिल्म में नसलेन के कपूर और ममिता बैजू मुख्य भूमिका में है। इसमें संगीत प्रताप श्याम मोहन, यम मीनाक्षी, रविंद्रन अखिला, भार्गवन, अल्ताफ सलीम और मैथ्यू थॉमस सहित कई कलाकार ने एक विस्तारित कैमियो भूमिका निभाई है। संगीत विष्णु विजय द्वारा तैयार किया गया था, जबकि अजमल साबू और आकाश जोसेफ वर्गीस ने फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला था। पेरुमलु की इसकी कहानी संगीत हास्य और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए आलोचकों से प्रशंसा मिलने के बाद 9 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। 3 करोड़ के बजट पर बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और दुनिया भर में 120 करोड़ से अधिक की कमाई की। 5वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली 5वीं मलयालम फिल्म बन गई। यह वर्तमान में अब तक की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले
करने वाली मलयालम फिल्म है और 2024 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। तेलुगु भाषा में डब संस्करण 8 मार्च 2024 को जारी किया जाएगा और तमिल डब संस्करण 15 मार्च 2024 को जारी किया जाएगा। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो कॉलेज के आखिरी दिन सचिन संतोष अंततः अपने सहपाठी अंजलि से अपने प्यार का इजहार करता है जो उसे अस्वीकार कर देती है। कॉलेज के बाद सचिन ने सभी परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए उच्च अध्ययन के लिए यूके जाने की योजना बनाई, लेकिन उनका वीजा आवेदन खारिज हो गया जिससे उन्हें 6 महीने बाद आवेदन करने का और मौका मिल गया। इस बीच सचिन लक्ष्यहीन तरीके से अपना जीवन जी रहा है। अपने पिता को उनकी बेखबरी से बेकरी की डिलीवरी से मदद कर रहा है। ऐसे ही एक डिलीवरी पर सचिन अपने पुराने दोस्त अमल डेविस से मिलते हैं और उनकी दोस्ती फिर से शुरू हो जाती है। जबकि सचिन अभी भी इस पर विचार कर रहे हैं कि आगे क्या करना है। अमल ने उनके साथ हैदराबाद में गेट पाठ्यक्रम में शामिल होने का सुझाव दिया, जब तक कि सचिन फिर से वीजा के लिए आवेदन नहीं कर सकते और आवेदन विफल होने पर बैकअप के रूप में थी। सचिन इस पर सहमत हो गया और अमल के साथ हैदराबाद चला गया। हैदराबाद में 20 साल की लड़की रेनू हाल में ही में एक आईटी कंपनी की विकास टीम में शामिल हुई है, जहां अधिनाम का एक घमंडी आदमी वरिष्ठ डेवलपर है। शामिल होने के बाद रेनू अपने दोस्त कार्तिका और अन्य रूममेट निहारिका के साथ अपना एक अपार्टमेंट में रहने लगती है। आदि को रेनू पर क्रश है, लेकिन वह खुद को उसका बेस्टी बताता है। सचिन और अमन एक शादी में रेनू और उसकी टीम से मिलते हैं, जहां रेनू दूल्हे के मेहमान हैं और रेनू दुल्हन के मेहमान हैं। सचिन को रेनू से प्यार हो गया है। शादी के दौरान उन सभी में दोस्ती हो गई। अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण रेनू और कार्तिक ने सचिन और अमल के साथ हैदराबाद लौटने का फैसला किया। रेनू सचिन के साथ बहुत साज है और उनकी हरकतों को मजाकिया और दोस्तानी मानती है। गेट का क्रश छोड़ने के बाद सचिन को हैदराबाद में रहने के लिए फास्ट फूड रेस्तरां में नौकरी मिल गई और वह रेनू के बारे में और अधिक जानना चाहता है। अमल एक पब में कार्तिका के माध्यम से रेनू को सचिन के क्रश के बारे में संकेत देने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे यह कहते हुए गोली मार देती है कि रेनू किसी परिपक्व और निपुण व्यक्ति की तलाश में है, न कि सचिन जैसे किसी व्यक्ति की जिसके पास कल के लिए भी कोई योजना नहीं है। बहुत खोजबीन के बाद सचिन ने रेनू से अपने प्यार का इजहार करने का फैसला किया, लेकिन वह कहती है कि वह कोई ऐसा व्यक्ति चाहती है कि जो परिपक्व हो और जीवन में सुलझा हुआ हो। सचिन ने निराश होकर हैदराबाद छोड़ने और अपने कॉलेज के दोस्त के साथ चेन्नई जाने का फैसला किया। हालांकि रेनू के मन में भी सचिन के लिए प्रतिभावनाएं विकसित होती हैं, लेकिन वह उनके बारे में अनिश्चित है और वह उसे वापस आने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन उसके काल या संदेह का जवाब नहीं देता है। कुछ महीनों के बाद कार्तिका ने सचिन को हैदराबाद में अपनी सगाई की पार्टी में आमंत्रित किया। रेनू उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह आगे बढ़ गया हो और उसे सूचित करता है कि उसका वीजा आवेदन आ गया है और वह अगले दिन हैदराबाद से यूके के लिए रवाना हो रहा है। आदि सचिन और अमल पर आरोप लगाता है और उनसे बातचीत करने की मांग करता है। सचिन और अमल दोनों बहुत नशे में थे। आदि से मिक्की निकलते हुए कहते हैं कि रेनू भी उसे स्वीकार कर देगी। सचिन और अमल को गलत साबित करने के लिए आदि पार्टी में सबके सामने रेनू से पूछता है कि क्या वह उससे प्यार करती है। कुछ इस तरह से मूवी के फैक्ट्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पेरोमोलू मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फाइट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पेरोमोलू एक 2024 भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे गिरी सेडी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। फिल्म में नसलेन के कपूर और ममिता बैजू मुख्य भूमिका में है। इसमें संगीत प्रताप श्याम मोहन, यम मीनाक्षी, रविंद्रन अखिला, भार्गवन, अल्ताफ सलीम और मैथ्यू थॉमस सहित कई कलाकार ने एक विस्तारित कैमियो भूमिका निभाई है। संगीत विश्री विजय द्वारा तैयार किया गया था, जबकि अजमल साबू और आकाश जोसेफ वर्गीस ने फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला था। पेरुमलु को इसकी कहानी, संगीत, हास्य और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए आलोचकों से प्रशंसा मिलने के बाद 9 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। 3 करोड़ के बजट पर बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और दुनिया भर में 120 करोड़ से अधिक की कमाई की। 5वीं सबसे
मलयालम सबसे अधिक कमाई करने वाली पांचवी मलयालम फिल्म बन गई। यह वर्तमान में अब तक की पांचवी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है और 2024 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। तेलुगु भाषा में डब संस्करण 8 मार्च 2024 को जारी किया जाएगा और तमिल डब संस्करण 15 मार्च 2024 को जारी किया जाएगा। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो कॉलेज के आखिरी दिन सचिन संतोष अंततः अपने सहपाठी अंजलि से अपने प्यार का इजहार करता है, जो उसे अस्वीकार कर देती है। कॉलेज के बाद सचिन ने सभी परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए उच्च अध्ययन के लिए यूके जाने की योजना बनाई, लेकिन उनका वीजा आवेदन खारिज हो गया, जिससे उन्हें 6 महीने बाद आवेदन करने का और मौका मिल गया। इस बीच सचिन लक्ष्यहीन तरीके से अपना जीवन जी रहा है। अपने पिता को उनकी बेखबरी से बेकरी की डिलीवरी से मदद कर रहा है। ऐसे ही एक डिलीवरी पर सचिन अपने पुराने दोस्त अमल डेविस से मिलते हैं और उनकी दोस्ती फिर से शुरू हो जाती है। जबकि सचिन अभी भी इस पर विचार कर रहे हैं कि आगे क्या करना है। अमल ने उनके साथ हैदराबाद में गेट पाठ्यक्रम में शामिल होने का सुझाव दिया, जब तक कि सचिन फिर से वीजा के लिए आवेदन नहीं कर सकते और आवेदन विफल होने पर बैकअप के रूप में थी। सचिन इस पर सहमत हो गया और अमल के साथ हैदराबाद चला गया। हैदराबाद में 20 साल की लड़की रेनू हाल में ही में एक आईटी कंपनी की विकास टीम में शामिल हुई है, जहां अधिनाम का एक घमंडी आदमी वरिष्ठ डेवलपर है। शामिल होने के बाद रेनू अपने दोस्त कार्तिका और अन्य रूममेट निहारिका के साथ अपना एक अपार्टमेंट में रहने लगती है। आदि को रेनू पर क्रश है, लेकिन वह खुद को उसका बेस्टी बताता है। सचिन और अमन एक शादी में रेनू और उसकी टीम से मिलते हैं, जहां रेनू दूल्हे के मेहमान हैं और रेनू दुल्हन के मेहमान हैं। सचिन को रेनू से प्यार हो गया है। शादी के दौरान उन सभी में दोस्ती हो गई। अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण रेनू और कार्तिक ने सचिन और अमल के साथ हैदराबाद लौटने का फैसला किया। रेनू सचिन के साथ बहुत साज है और उनकी हरकतों को मजाकिया और दोस्तानी मानती है। गेट का क्रश छोड़ने के बाद सचिन को हैदराबाद में रहने के लिए फास्ट फूड रेस्तरां में नौकरी मिल गई और वह रेनू के बारे में और अधिक जानना चाहता है। अमल एक पब में कार्तिका के माध्यम से रेनू को सचिन के क्रश के बारे में संकेत देने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे यह कहते हुए गोली मार देती है कि रेनू किसी परिपक्व और निपुण व्यक्ति की तलाश में है, न कि सचिन जैसे किसी व्यक्ति की जिसके पास कल के लिए भी कोई योजना नहीं है। बहुत खोजबीन के बाद सचिन ने रेनू से अपने प्यार का इजहार करने का फैसला किया, लेकिन वह कहती है कि वह कोई ऐसा व्यक्ति चाहती है कि जो परिपक्व हो और जीवन में सुलझा हुआ हो। सचिन ने निराश होकर हैदराबाद छोड़ने और अपने कॉलेज के दोस्त के साथ चेन्नई जाने का फैसला किया। हालांकि रेनू के मन में भी सचिन के लिए प्रतिभावनाएं विकसित होती हैं, लेकिन वह उनके बारे में अनिश्चित है और वह उसे वापस आने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन उसके काल या संदेह का जवाब नहीं देता है। कुछ महीनों के बाद कार्तिका ने सचिन को हैदराबाद में अपनी सगाई की पार्टी में आमंत्रित किया। रेनू उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह आगे बढ़ गया हो और उसे सूचित करता है कि उसका वीजा आवेदन आ गया है और वह अगले दिन हैदराबाद से यूके के लिए रवाना हो रहा है। आदि सचिन और अमल पर आरोप लगाता है और उनसे बातचीत करने की मांग करता है। सचिन और अमल दोनों बहुत नशे में थे। आदि से मिक्की निकलते हुए कहते हैं कि रेनू भी उसे स्वीकार कर देगी। सचिन और अमल को गलत साबित करने के लिए आदि पार्टी में सबके सामने रेनू से पूछता है कि क्या वह उससे प्यार करती है। कुछ इस तरह से मूवी के फैक्ट्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फेरोमोलू मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फाइट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फेरोमोलू एक 2024 भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे गिरी सेडी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। फिल्म में नसलेन के कपूर और ममिता बैजू मुख्य भूमिका में है। इसमें संगीत प्रताप श्याम मोहन, यम मीनाक्षी, रविंद्रन अखिला, भार्गवन अल्ताफ सलीम और मैथ्यू थॉमस सहित कई कलाकार ने एक विस्तारित कैमियो भूमिका निभाई है। संगीत विश्री विजय द्वारा तैयार किया गया था, जबकि अजमल साबू और आकाश जोसेफ वर्गीस ने फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला था। फेरोमोलू को इसकी कहानी, संगीत, हास्य और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए आलोचकों से प्रशंसा मिलने के बाद 9 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। 3 करोड़ के बजट पर बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और दुनिया भर में 120 करोड़ से
अधिक थी कमाई की। पांचवी सबसे मलयालम सबसे अधिक कमाई करने वाली पांचवी मलयालम फिल्म बन गई। यह वर्तमान में अब तक की पांचवी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है और 2024 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। तेलुगु भाषा में डब संस्करण 8 मार्च 2024 को जारी किया जाएगा और तमिल डब संस्करण 15 मार्च 2024 को जारी किया जाएगा। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो कॉलेज के आखिरी दिन सचिन संतोष अंततः अपने सहपाठी अंजलि से अपने प्यार का इजहार करता है जो उसे अस्वीकार कर देती है। कॉलेज के बाद सचिन ने सभी परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए उच्च अध्ययन के लिए यूके जाने की योजना बनाई, लेकिन उनका वीजा आवेदन खारिज हो गया जिससे उन्हें 6 महीने बाद आवेदन करने का और मौका मिल गया। इस बीच सचिन लक्ष्यहीन तरीके से अपना जीवन जी रहा है। अपने पिता को उनकी बेखबरी से बेकरी की डिलीवरी से मदद कर रहा है। ऐसे ही एक डिलीवरी पर सचिन अपने पुराने दोस्त अमल डेविस से मिलते हैं और उनकी दोस्ती फिर से शुरू हो जाती है। जबकि सचिन अभी भी इस पर विचार कर रहे हैं कि आगे क्या करना है। अमल ने उनके साथ हैदराबाद में गेट पाठ्यक्रम में शामिल होने का सुझाव दिया, जब तक कि सचिन फिर से वीजा के लिए आवेदन नहीं कर सकते और आवेदन विफल होने पर बैकअप के रूप में थी। सचिन इस पर सहमत हो गया और अमल के साथ हैदराबाद चला गया। हैदराबाद में 20 साल की लड़की रेनू हाल में ही में एक आईटी कंपनी की विकास टीम में शामिल हुई है, जहां अधिनाम का एक घमंडी आदमी वरिष्ठ डेवलपर है। शामिल होने के बाद रेनू अपने दोस्त कार्तिका और अन्य रूममेट निहारिका के साथ अपना एक अपार्टमेंट में रहने लगती है। आदि को रेनू पर क्रश है, लेकिन वह खुद को उसका बेस्टी बताता है। सचिन और अमन एक शादी में रेनू और उसकी टीम से मिलते हैं, जहां रेनू दूल्हे के मेहमान हैं और रेनू दुल्हन के मेहमान हैं। सचिन को रेनू से प्यार हो गया है। शादी के दौरान उन सभी में दोस्ती हो गई। अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण रेनू और कार्तिक ने सचिन और अमल के साथ हैदराबाद लौटने का फैसला किया। रेनू सचिन के साथ बहुत साज है और उनकी हरकतों को मजाकिया और दोस्तानी मानती है। गेट का क्रश छोड़ने के बाद सचिन को हैदराबाद में रहने के लिए फास्ट फूड रेस्तरां में नौकरी मिल गई और वह रेनू के बारे में और अधिक जानना चाहता है। अमल एक पब में कार्तिका के माध्यम से रेनू को सचिन के क्रश के बारे में संकेत देने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे यह कहते हुए गोली मार देती है कि रेनू किसी परिपक्व और निपुण व्यक्ति की तलाश में है, न कि सचिन जैसे किसी व्यक्ति की जिसके पास कल के लिए भी कोई योजना नहीं है। बहुत खोजबीन के बाद सचिन ने रेनू से अपने प्यार का इजहार करने का फैसला किया, लेकिन वह कहती है कि वह कोई ऐसा व्यक्ति चाहती है कि जो परिपक्व हो और जीवन में सुलझा हुआ हो। सचिन ने निराश होकर हैदराबाद छोड़ने और अपने कॉलेज के दोस्त के साथ चेन्नई जाने का फैसला किया। हालांकि रेनू के मन में भी सचिन के लिए प्रतिभावनाएं विकसित होती हैं, लेकिन वह उनके बारे में अनिश्चित है और वह उसे वापस आने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन उसके काल या संदेह का जवाब नहीं देता है। कुछ महीनों के बाद कार्तिका ने सचिन को हैदराबाद में अपनी सगाई की पार्टी में आमंत्रित किया। रेनू उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह आगे बढ़ गया हो और उसे सूचित करता है कि उसका वीजा आवेदन आ गया है और वह अगले दिन हैदराबाद से यूके के लिए रवाना हो रहा है। आदि सचिन और अमल पर आरोप लगाता है और उनसे बातचीत करने की मांग करता है। सचिन और अमल दोनों बहुत नशे में थे। आदि से मिक्की निकलते हुए कहते हैं कि रेनू भी उसे स्वीकार कर देगी। सचिन और अमल को गलत साबित करने के लिए आदि पार्टी में सबके सामने रेनू से पूछता है कि क्या वह उससे प्यार करती है। कुछ इस तरह से मूवी के फैक्ट्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फेरोमोलू मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फाइट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फेरोमोलू एक 2024 भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे गिरी सेडी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। फिल्म में नसलेन के कपूर और ममिता बैजू मुख्य भूमिका में है। इसमें संगीत प्रताप श्याम मोहन, यम मीनाक्षी, रविंद्रन अखिला, भार्गवन, अल्ताफ सलीम और मैथ्यू थॉमस सहित कई कलाकार ने एक विस्तारित कैमियो भूमिका निभाई है। संगीत विष्णु विजय द्वारा तैयार किया गया था, जबकि अजमल साबू और आकाश जोसेफ वर्गीस ने फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला था। फेरोमोलू को इसकी कहानी, संगीत, हास्य और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए आलोचकों से प्रशंसा मिलने के बाद 9 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। 3 करोड़ के बजट पर बनी यह फिल्म
अब बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और दुनिया भर में 120 करोड़ से अधिक की कमाई की। पांचवी सबसे मलयालम सबसे अधिक कमाई करने वाली पांचवी मलयालम फिल्म बन गई। यह वर्तमान में अब तक की पांचवी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है और 2024 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। तेलुगु भाषा में डब संस्करण 8 मार्च 2024 को जारी किया जाएगा और तमिल डब संस्करण 15 मार्च 2024 को जारी किया जाएगा। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो कॉलेज के आखिरी दिन सचिन संतोष अंततः अपने सहपाठी अंजलि से अपने प्यार का इजहार करता है जो उसे अस्वीकार कर देती है। कॉलेज के बाद सचिन ने सभी परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए उच्च अध्ययन के लिए यूके जाने की योजना बनाई, लेकिन उनका वीजा आवेदन खारिज हो गया जिससे उन्हें 6 महीने बाद आवेदन करने का और मौका मिल गया। इस बीच सचिन लक्ष्यहीन तरीके से अपना जीवन जी रहा है। अपने पिता को उनकी बेखबरी से बेकरी की डिलीवरी से मदद कर रहा है। ऐसे ही एक डिलीवरी पर सचिन अपने पुराने दोस्त अमल डेविस से मिलते हैं और उनकी दोस्ती फिर से शुरू हो जाती है। जबकि सचिन अभी भी इस पर विचार कर रहे हैं कि आगे क्या करना है। अमल ने उनके साथ हैदराबाद में गेट पाठ्यक्रम में शामिल होने का सुझाव दिया, जब तक कि सचिन फिर से वीजा के लिए आवेदन नहीं कर सकते और आवेदन विफल होने पर बैकअप के रूप में थी। सचिन इस पर सहमत हो गया और अमल के साथ हैदराबाद चला गया। हैदराबाद में 20 साल की लड़की रेनू हाल में ही में एक आईटी कंपनी की विकास टीम में शामिल हुई है, जहां अधिनाम का एक घमंडी आदमी वरिष्ठ डेवलपर है। शामिल होने के बाद रेनू अपने दोस्त कार्तिका और अन्य रूममेट निहारिका के साथ अपना एक अपार्टमेंट में रहने लगती है। आदि को रेनू पर क्रश है, लेकिन वह खुद को उसका बेस्टी बताता है। सचिन और अमन एक शादी में रेनू और उसकी टीम से मिलते हैं, जहां रेनू दूल्हे के मेहमान हैं और रेनू दुल्हन के मेहमान हैं। सचिन को रेनू से प्यार हो गया है। शादी के दौरान उन सभी में दोस्ती हो गई। अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण रेनू और कार्तिक ने सचिन और